चलें। तो आपके ख्याल में कैसे तैयारी करनी चाहिए, स्मार्ट वे में और शॉर्ट डेज में, फॉर एफसीपीएस थ्योरी या फॉर एमसीपीएस थ्योरी या फॉर एमएस, कैसे तैयारी करनी चाहिए? मतलब क्या है आप लोगों के माइंड में, कोई प्लान, कोई स्ट्रेटजी, कोई छुपी हुई ख्वाहिश कि काश कुछ ऐसा हो जाए? विल टेल मी क्या कैसा होना चाहिए? मतलब जब आप तैयारी करते हो, एक दफा थ्योरी कवर कर लेते हो, फिर जब आप रिवाइज करते हो या पास पेपर सॉल्व करते हो, तो क्या होता है आपके माइंड में कि बेस्ट, अगर कोई आपकी बेस्ट वे में हेल्प करना चाहे तो वो किस किस्म की हेल्प हो? जी मैम, फिलहाल तो ऐसे लग रहा है कि कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद जब एमसीक्यूज पे आएंगे तो सब कुछ मिक्सअप हो गई ये चीजें। अच्छा, मिक्सअप हो गई है, एक तो बड़ी बात है कि इसको सेपरेट कैसे करना। अच्छा, मिक्सअप हो गई है। हाँ, मिक्सअप हो जाती है, सारे मेनोरियाज एक जैसे लगते हैं, सारे इन्फेक्शन एक जैसे लगते हैं, सब एनोमलीज एक जैसी लगती हैं, सारी एंटीबायोटिक्स एक जैसी लगती हैं, सारे मेडिकल डिसऑर्डर मतलब सेपरेट नहीं होते। यस, मिक्सअप हो जाते हैं, बिल्कुल जेनुअन है और जनरल है। ऐसे ही और है। और मैम, आई थिंक बस अब हमें आई थिंक एमसीक्यूज पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। ज्यादा कॉन्सेंट्रेट एमसीक्यूज पे, जितने इसलिए मतलब ज्यादा ज्यादा पे क्यों जी फोकस किया है, व्हाई यू आर एम्फेसाइजिंग ऑन मैम, क्योंकि ज्यादा? मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा है मैम कि जितने ज्यादा हम एमसीक्यूज करेंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी अपना। हाँ चले। अच्छा, मैं आपका 2 4 एमसीक्यूज अगर दूं तो आप उनको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप उस आपको एक एमसीक्यू होगा, मतलब एक स्टेटमेंट होगी, नीचे 5 ऑप्शन होगी, आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे जब तक कुछ ना कुछ हर ऑप्शन के बारे में ना पता हो, है ना? जी क्या ऐसा ख्याल ही है है? बिल्कुल। तो अगर ऐसा हो कि एक एमसीक्यू पढ़ा जाए और साथ ही ये भी क्विकली रिवाइज कर लिया जाए, या 5 ऑप्शंस में सैलियंट फीचर्स ऐसे कौन से हैं कि ये हमारी की नहीं है, और ये जो हम सिंगल बेस्ट आंसर एक की चूज कर रहे हैं, इसमें कोई क्या खास ऐसा बज वर्ड है कि ये हम क्यों चूज कर रहे हैं? तो ऐसा करके हमारा एमसीक्यू भी हल हो जाए और वो 5 के 5 और टॉपिक भी रिवाइज हो जाए, क्विकली। थ्योरी भी हाँ रिवाइज हो जाएगी। जी हाँ ये मैम, तो बड़ा जी अच्छा, मैम, नहीं हो गया, ये तो आइडियल हो गया, जी मैम, ये तो एग्जैक्टली जन्नत मैम, मिल गई। ये वो जन्नत है जिसकी हम हमेशा ख्वाहिश करते हैं। जब मैं खुद भी, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय ओन एफसीपीएस, तो मेरी ख्वाहिश होती थी यार ऐसा कोई कोर्स हो कि यार एमसीक्यू भी आ जाए, 5 टॉपिक भी आ जाए, और जब बाय एंड ऑफ द डे अगर मैंने 100 क्वेश्चंस किए हैं तो 100 टॉपिक्स भी हूँ, है ना? जी चले, मैडम। अच्छा है। और वो इतनी मतलब फजूल फजूल बातें ना हो कि बैकग्राउंड चीजें और अजीब अजीब सी चीजें, टू द पॉइंट हो जैसे पेपर हल हो जी जाए, है मैम, ना? जी आई अंडरस्टैंड, ये भी बड़ा जेनवन है आपका, क्या कहते हैं, ये जेनवन ख्वाहिश है, ये होनी भी चाहिए। अब देखिए पूरी होती है कि नहीं। चले, और क्या होना चाहिए एक स्मार्ट वे में तैयारी करना व्हेन यू हैव शॉर्ट डेज? खोलो दिल, दिल का हाल बताओ। आप बताएंगे तो वो चीजें मैं ऐड करूंगी ना अपने कोर्स में। चलें, अच्छा सीपीएसपी का पूल कैसे लगता है आपको? आपको लगता है कि अगर आपने एफसीपीएस का एग्जाम देना है तो आपको एफसीपीएस के ही क्वेश्चंस करने चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं भैया एमसीपीएस के भी करने चाहिए, या वाइस वर्सा अगर आप एमसीपीएस में अपेयर हो रहे हो तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम एमसीपीएस यू हैव टू डू यू नो लाइक एफसीपीएस पूल और आईएमएम पूल? सोचा है कभी ऐसा? अगर सोचा है तो क्यों ऐसा करना चाहिए? नहीं सोचा? कोई रिपीटर है हमारे साथ?
आप में फिजा, कमल, मैमुना, मैमुना आप रिपीटर हो या आप फ्रेश हो? मैमुना फयाज, साइमा, सिद्रा, सोबिया अमजद, ताहिरा, जी डॉक्टर हीरा, वो रिपीटर हो? मेरा बेटे ने कहीं जाना था तो उसको तैयार कर रही थी। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड. तो बताओ, रिपीटर हो या फ्रेश नहीं हो? डॉक्टर हीरा, मैं ना काफी अरसे बाद, मैंने तकरीबन 8 इयर्स के बाद एग्जाम देने लगी अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊँ, हूँ। मैं कोर्स में जब भी क्यूरी पढ़ती हूँ ना, ऊपर मैमुना लिखा हो, तुम मुझे टफ टाइम देती हो. अच्छे क्वेश्चन होते हैं तुम्हारे, बहुत अच्छे होते हैं. लगता भी है कि ये क्वेश्चन जो है ना, किसी एक डेडिकेटेड बच्चे ने जनरेट किया है. जब आप बड़े इन डीप होते हो ना टॉपिक में, फिर जो क्वेश्चंस की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है. तो आपके क्वेश्चंस जो होते हैं ना, बड़े क्वालिटी वाइज होते हैं. और इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसने इस टॉपिक पे ना को डीपली पढ़ा है. चले, तो हाँ आपको क्या जी लगता डॉक्टर, है? मुझे, मैं ये सोच रही थी कि हमारी साथ एमसीक्यूज तो हम करें लेकिन हमारी रिवीजन भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इतनी डेप्थ में अगर थ्योरी पढ़ी है तो फिर हमें मतलब उसको फिर ये जाहिर है आगे हमें टॉक्स में भी फिर जाहिर है बेनिफिट देगी ना, अगर सपोज हम इसको अच्छा रिवाइज कर लेते हैं हाँ बिल्कुल, अभी। लेकिन टॉक्स बात की बात है वैसे ना. अभी जितने हमारे पास दिन है, हमने हमारी 100% डेडिकेशन टुवर्ड्स आर थ्योरी कोर्स होनी चाहिए. और अल्टीमेटली, इफ यू आर गुड इन योर थ्योरी, यू आर गुड इन योर टॉक्स, वो तो ऑब्वियसली सरोगेट मार्कर रहे एक दूसरे के. चले भाई, सजेशंस दो ना मुझे. जैसा मैं सोचती हूँ वो तो मैं आपको बता ही दूंगी, लेकिन बीइंग कैंडिडेट और बीइंग एग्जाम कैंडिडेट जो है ना, हालात मुख्तलिफ होते हैं, तो वो तो आप बता सकते हो. मेरा अपना ये ख्याल है कि हम लोग ज़ाहिर पेपर जब पास पेपर करेंगे तो उनमें तो सारे मिक्स क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक का तो क्वेश्चन नहीं होता। लेकिन ये है कि मैं ये सोच रही थी कि हम साथ साथ कोई अपना शेड्यूल भी बना लेते हैं, कि जिस तरह हमने मॉड्यूल वाइज किया है तो हम कोई मॉड्यूल साथ साथ रिवाइज कर लें। हाँ, ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है, क्योंकि 100 टॉपिक रोज करना वैसे पॉसिबल नहीं है. 100 क्वेश्चंस किए हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि हम वो 100 के 100 एक जैसे क्वेश्चंस इकट्ठे कर लें और हमारा प्रॉपर एक मॉड्यूल रिवाइज हो जाए. मतलब पूरे के पूरे पूल में से हम वो सारे क्वेश्चंस, लेट्स सपोज अगर आप आजकल इन्फेक्शन ही कर रहे हो ना, तो हाँ इन्फेक्शन के सारे एक ही दफा कर लें. मतलब हमें पता हो कि भाई पेनलेस अल्सर कौन से हैं, पेनफुल कौन से हैं, लिम्फेडनोपैथी के साथ कौन से हैं, विदाउट लिम्फेडनोपैथी या सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन के साथ कौन से हैं, ठीक है? तो और इनके हर एक का एक सेपरेट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है, और एक स्टेप वाइज पहला टेस्ट कौन सा है. तो और जितने भी रिकॉल्स हों इसी सारी कहानी पे वो इकट्ठे कर लें. इस तरह जी अच्छा हो जी सकता है ये, इसको ये हमने बिल्कुल कुछ अच्छा हद है. तक तो नोट्स बनाए लेकिन फिर वो ज्यादा रिफाइन हो मैम जाएंगे ये जब तो हम अच्छी दो बात तीन है। रिहर्सल करेंगे ना इकट्ठे एक हाँ, जैसे देखें, कुछ एक ऑप्शन तो ये है कि रैंडम 100 क्वेश्चंस करो और रैंडम 100 टॉपिक्स करो. ऐसा करने में ना आपकी कैलोरीज सारी खत्म हो जाएंगी और 2 दिन के बाद आप लोग भी खत्म हो जाओगे. तो ये तरीका ठीक है कि हम 100 क्वेश्चन ही वो करें जो एक जैसे हो, और उसके साथ एक एक या दो बिग टॉपिक्स कर लें या मॉड्यूल कर लें. ये जी सही है. चलें, मुझे मुझे भी लगता है कि ये ज्यादा प्रैक्टिकल वे है. चलें, और पूल से क्या मुराद है? एक तो ये थॉट है कि यार इतना 10 साल प्रोग्राम चलाने की क्या जरूरत है. रिसेंट जो पेपर्स आए हैं, लाइक 2022 वाले, बस वो मुकायें करें बैठे जाके एग्जाम में. या एक ये थॉट है, नहीं चौंके पेपर, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पेपर का जो एक थीम है ना, वो 80% रिपीट होता है. मैं ये मानती हूँ 80% रिपीट होता है, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि ऑप्शन भी रिपीट होती है, ऑप्शन में वो करते हैं गड़बड़. तो जब एक 80% थीम रिपीट हो रही है, तो क्या ख्याल है? पूरा पूल, पूरा मतलब लास्ट 10 ईयर का करना चाहिए पूल,
या जस्ट रिसेंट 2021-22 के पेपर करने चाहिए? मैडम पूरा पूल करना चाहिए, हाँ, पूरे 10 years होने चाहिए। इससे ये फायदा होगा कि आपको हर तरह का एक्सपोजर हो जाएगा, और ये वो इतने भी पागल नहीं होते। मैं जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है ना, वो 2015 का 5-6 क्वेश्चन उठा के 2014 से मिक्स करके 21 में मिला के 22 में भेज देते हैं। ये मेरी ऑब्जर्वेशन पता है इसलिए है क्योंकि मेरा तो काम ही है ये पूल क्रिएट करना और किताबें छापना। मैडम एटलीस्ट इससे ये हो जाएगा ना कि हमारी सारी स्टेम्स डिस्कस हो जाएंगी, पुरानी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। और मैंने मेरी जो मैम, आप अगर ये पूल अगर आप इस तरह कराएंगी ना कि जैसे आप कह रही हैं कि सारे एक जैसे क्वेश्चंस हम एक ही दफा में कर रहे हैं, मैम हम उसको कैसे क्योंकि बुक में तो ऐसे दूसरी तरह है ना, अलग अलग है, तो अगर हमें हार्ड कॉपी अगर उसकी चाहिए होगी तो वो हम उसको कैसे हमें कैसे मिलेंगे वो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि हमें रिविजन भी उसी तरह करनी होगी। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात की है, लेकिन पता है क्या, हम कर ही रहे हैं, हम रिविजन ही तो कर रहे हैं। इसके बाद अगर हमने कोई मॉड्यूल किया आप तो भूल जाएं कि यू आर गोइंग टू डू इट अगेन। आपने इसको ऐसे ही करना है कि पहली और आखिरी दफा करने वाले हो। अब आपका लास्ट 60 days ही तो है अगर कहा जाए एग्जाम के, और गाइडी ओब्स का ह्यूज टॉपिक है, इसके तो टॉपिक ही वो कोई 120 बनते हैं। इसका मतलब है एक दिन में तो 3-4 टॉपिक होंगे, तब जाके मरमरा के 60 days में आप जो है कंप्लीट करोगे। तो आपने पढ़ना ही ऐसे है कि यू आर डूइंग इट इन अ रिवीजन मोड, और हर चीज लिखने वाली नहीं होती है, एक या दो पॉइंट्स लिखने वाले होते हैं और उनको आप लिख लें, ऐड इन वरी नोट्स। और जब आपको पता है, जब मैंने थीरी का सेशन स्टार्ट कराया था तो मैंने आपको पर्टिकुलरली बताया था ये जो नोट्स मेकिंग है ये वन टाइम काम ही नहीं है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। स्पेसिस रखें अपने पेजेस, रखें ब्लैंक बिकॉज यू हैव टू राइट देम। जब आप पास पेपर्स करेंगे तो और बहुत सारी कंपैरिजन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस होंगे उस टॉपिक के जो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए यही है कि एक दफा ही सुने, ये जो सेशन रिकॉर्डिंग है उनको एक ही दफा सुने, और मैं तो ये कहूंगी इनको लाइव ही अटेंड करें क्योंकि लाइव में इंटरेक्शन भी हो जाता है, देर एंड देन क्यूरी सॉल्व हो जाती है, और वहीं के वहीं देर एंड देन अपने 2-4 बातें लिख लें, ठीक है, और वही रिवाइज होती है एंड पे, नो वरीज, इतना रिटेन कर लेंगे। और अच्छा, और ये है कि कुछ कुछ मॉड्यूल ऐसे हैं जिसके लिए MCPS और IMM का पूल जो है वो करना बेहतर है इस अंदाज में, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन के क्वेश्चंस, मेडिकल डिसऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस, लेबर के क्वेश्चंस। अगर ये आते हैं तो इनको MCPS या IMM से ही उठाया जाता है क्योंकि 70% आपका जो ओब्स के क्वेश्चंस का सोर्स है वो IMM है या MCPS है, और जो आपके गायनी के क्वेश्चंस होते हैं दे आर बेसिकली योर ओन पूल, ऑनकोलॉजी या स्पेसिफिक यूरो, वो आपका अपना पूल होता है, वो IMM या MCPS में इतना डिफिकल्ट नहीं आता। तो अगर आप वो कैंडिडेट है ना जिसके पास टाइम है, ये 2 महीने वो बिल्कुल फारिग है, ठीक है, और वो डेडिकेटेड भी है कि इस अटेम्प्ट में पेपर भी पास करना है, तो आई विल सजेस्ट अपनी जो MCQs या पास्ट पेपर्स की जो ड्रिल है ना, इसमें सिर्फ FCPS की ड्रिल ना करें, MCPS और IMM की ड्रिल भी करें। और MCPS वाले अगर कैंडिडेट्स हैं, मैंने रिपीटर्स को भी इनवाइट किया MCPS के कि वो ये सेशन लें, बिकॉज उनका जो आधे से ज़्यादा पूल था ना वो FCPS इनसाइट से आया हुआ था, उनके अपने सपोर्ट ग्रुप में वो मैंने क्वेश्चन भी डाले हैं, दे एग्री कि ये तो उनके एग्जाम में आए थे, ये तो FCPS के हैं, तो उनके लिए भी यही है कि आप MCPS का ना करें, आप साथ में FCPS का भी करें, ठीक है, क्योंकि गायनी ओब्स का जो सिलेबस है वो तो वही है और जो क्वेश्चंस हैं CPSP के वो भी सेम सिमिलर एक जैसे ही होते हैं। तो इफ यू हैव टाइम तो सबसे प्रायोरिटी तो यही है कि अगर FCPS में हो तो पहले तो FCPS का पूल करो फिर MCPS का करो, और सेम अगर MCPS में हो तो पहले MCPS का करो फिर FCPS का करो, और फिर एंड पे जाके IMM का पूल कर लें। तो इस तरह मैं आपको बताती हूँ आपके जो 80-90% तक जो क्वेश्चंस की थीम होगी वो आपकी वही होगी सेम, जानी पहचानी, आपको नहीं लगेगा ये नया क्वेश्चन आया, ठीक है। अब जब हम करेंगे पास पेपर तो यू विल सी वही चीजें बार बार आ रही होंगी, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन में कुछ ना कुछ होगा, बस वर्ड में कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज दे विल बी सेम। तो देखें एग्जाम पास किस पे करना है, 75% पे
आपको पास होने के लिए 75% चाहिए. 75% वो बच्चा ले सकता है जिसने थ्योरी अच्छे की है और जिसने अपने एफसीपीएस के क्वेश्चंस अच्छे किए हैं या अपने एमसीपीएस के क्वेश्चंस अच्छे किए हैं, वो 75% ले सकता है विदाउट डूइंग अदर थिंग्स, विदाउट डूइंग इवन रीडिंग अदर एमसीक्यूज बुक्स, जिसमें आपकी चाहे वो लेंज हो, चाहे विलियम हो, चाहे प्री टेस्ट हो, चाहे एंड्रियो हो, चाहे रेखा हो, चाहे जो मर्जी हो, आप इतने कैपेबल हो के 75% ले सकते हो. लेकिन अब आप पे है कि आपने एग्जाम में पास होने की या क्वेश्चंस को अप्रोच करने की प्रोबेबिलिटी कितनी इंक्रीज करनी है. लाइक इफ यू वांट टू इंक्रीज टिल 90% तो फिर एफर्ट भी ज्यादा है, फिर सिर्फ आपने अपने एग्जाम का पूल नहीं करना है. इफ यू आर अपेयरिंग इन एमसीपीएस तो फिर एफसीपीएस भी करनी है, आईएमएम भी करनी है, और सेम फॉर एफसीपीएस के फिर आपने जो है एमसीपीएस भी करनी है, आईएमएम भी करनी है. बल्कि एफसीपीएस में मैंने कुछ आपके एक दो टेस्ट बनाए हैं जो कि मैंने एमएस से उठाए हैं, एमएस से, और वो इतने अच्छे हाई क्वालिटी क्वेश्चंस हैं कि अगर आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो तो फिर आप बाकी भी कर सकते हो. तो प्रोबेबिलिटी में है कि जस्ट 75% तक ही जाना है. इट कुड बी 74 एंड यू हैव टू रिपीट द एग्जाम. 74.9 वाले बच्चे भी हैं. तो अगर आप इतना लेना चाहते हो ना तो जस्ट डू योर थियरी एंड जस्ट योर ओन डिग्री एग्जाम या पास पेपर, जो एफसीपीएस के है तो एफसीपीएस के करें और एमसीपीएस के तो जस्ट एमसीपीएस के करें, आप पास हो जाते हो. आपने बहुत सारे सीनियर्स भी सुने होंगे और दे विल से कि भाई हमने तो बस एफसीपीएस के किए थे. और ये अजाब आपने सिर्फ एक ही दफा भुगतना है तो भाई फिर आपने डेडिकेशन दिखानी है, फिर लग जाए इस एग्जाम के पीछे और आप पास हो जाते हो. क्यों नहीं हो जाते? अगर मींस इफ यू आर न्यू विद मेड होम तो मैं आई कैन यू नो सेंड इन योर ग्रुप्स फ्यू लिंक्स जो आपसे पहले बच्चे पास हुए हैं. हंड्रेड रिजल्ट कार्ड हैं, 100,000 फीडबैक हैं और पास हुए हैं वो, आप भी हो जाओगे. यही ट्रैक था जिसपे आप चल रहे हो, वो भी इसी पे चले हैं, पास हो गए हैं. ये एग्जाम डुएबल है बिल्कुल जी. तो बस आपको मैंने थोड़ा सा इनसाइट देनी थी एग्जाम से रिलेटेड कि आप अपने आप को कैसे बट दिस टाइम आई हैव गिवन द नेम ऑफ रिवीजन कोर्स. और तो इसका मतलब ये है कि रिवीजन भी करेंगे ताकि वो जो आपके छोटे छोटे सर क्वेश्चंस हैं, सिमिलर इश्यूज हैं जो आपको लगता है यार ये तो एनोमली वारफेरिन की है या फेटल अल्कोहल सिंड्रोम की है, नहीं यार ये तो सीएमवी की है, वो वाली बातें ना हो. आपको क्रिस्टल क्लियर बताओ कि ये एनोमली सीएमवी की ही है और ये वारफेरिन की ही है. ठीक है, चले तो हम इस तरह इस अंदाज में एग्जाम ओरिएंटेड वे में रिवीजन भी करेंगे. तो इफ यू आर यू नो डूइंग द थ्योरी इन दिस वे एंड यू नो अटेम्प्टिंग द पूल इन दिस वे, आई अश्योर यू, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 90% प्लस. पास होने के लिए 75 चाहिए था, आप इससे कहीं आ गए हो. अच्छा, जिनके मॉड्यूल्स रह गए हैं, अच्छा आपके मॉड्यूल्स चलते ही रहेंगे, ठीक है, और आपको फिर काम भी डबल करना पड़ेगा. आपने स्टार्ट में तो लेट किया है ना, ये एग्जाम की तैयारी अगर ऑन एवरेज देखे ना 6 महीने की है. अगर आप 3 मंथ से स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपने लाइक आवर्स डबल करने हैं पढ़ाई के, तो नो वरीज. मेरा प्लानर इस तरह का है कि मैंने इस चीज को मद्देनजर रखा है कि अगर आपके थीरी के मॉड्यूल चल रहे हैं तो वो कम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि अच्छी थीरी के बगैर तो भाई कुछ नहीं है. ये तो पॉसिबल है कि तुम लोग फेल हो जाओ क्रैश कोर्स करके, लेकिन ये कतन पॉसिबल नहीं है कि तुम लोग फेल हो जाओ अच्छी थीरी करके. यू नो बैकबोन है अच्छी थीरी, अच्छी थीरी इज बैकबोन, उसी पे तो हमने बिल्डअप करना है अपना क्रैश कोर्स और अपना टॉक्स और अपना क्लिनिकल. ठीक है, तो आप अगर आप थीरी कोर्स से हैं और तो वो आपके मॉड्यूल कम्प्रोमाइज नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे. हाँ, जिसने थीरी नहीं की अच्छे अंदाज से तो उसको फायदा होगा रिवीजन का, क्योंकि उनकी थीरी फिर मॉड्यूल वाइज मैं उसमें मतलब सिमिलर चीजें करती रहूंगी और
ऑब्वियसली उनको भी फायदा होगा जो थीरी कर रहे हैं, डबल उनको जो है एक्सपोजर हो जाएगा. एमसीपीएस का कोर्स, अगर आप एमसीपीएस के कैंडिडेट हो ना तो आपका कोर्स खत्म नहीं होगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, नहीं होगा, आप ये सेम कोर्स में आप रहोगे. और जब एक्चुअली ये जो एमसीपीएस का क्रैश कोर्स है ना, वो एमसीपीएस के बच्चे अटेम्प्ट करें जो रिपीटर हैं, जो बिगिनर हैं वो अटेम्प्ट ना करें, वो अपना एमसीपीएस का ही लें जब वो फैब में होगा. और जब उनका फैब में होगा बिगिनर्स के साथ, दोबारा आप आ जाइएगा इसी सब्सक्रिप्शन में और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर लीजिएगा. ठीक है, तुम लोगों ने गले क्यों दबाए हुए हैं, बोलो. जी अस्सलाम वालेकुम मैडम. वालेकुम सलाम मैडम, आपका हमारे वो जो थ्री रिपीटर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है? थ्री रिपीटर्स से क्या मुराद है, एफसीपीएस या एमसीपीएस? एफसीपीएस मैडम, एफसीपीएस तीन वाइवास के बाद थ्री रिपीट के बाद के बारे में क्या ख्याल है आपका, उनको कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि अभी तो वो एक मोटिवेशन ही नहीं मिल रही दोबारा से एग्जामिनेशन के बाद. यार ये मोटिवेशन कम है, तुम लोग फेल हो गए हो और तुम्हारे साथ वाले पास हो गए हैं और तुमने मेहनत करनी है. मैडम बस ये मोटिवेशन तो बहुत बड़ी है लेकिन बस हिम्मत नहीं हो पा रही दोबारा से. यार बंदा जख्मी शेर नहीं बन जाता है, आप पास हो जाओ, आप फेल हो जाओ, दोस्त पास हो जाए. ओहो, इतना दर्द, इतना गुस्सा, इतना दुख, इससे तो आप दुनिया पता कर सकते हो. मेक यूर पेन मेक यूर पेन यूर यू नो स्ट्रेंथ. फील करें आप, सच में इसको फील करो ना कि तुम लोग रह गए और तुम्हारे साथ वाले अभी पिछले हफ्ते पास भी हो गए एक्सटेंडेड टॉक्स में और अब वो कंसल्टेंट है. फील द पेन. और ये पेन मैं सच कहती हूँ सोने नहीं देता, सो ही नहीं सकते. सुबह सुबह उठ जाते हो किताबें पकड़ के, मैं भुगत चुकी हूँ. Yes, ma'am. You, ये आपकी you बात are सही unbeatable. है. You are unbeatable then. Believe me. Thank you, ma'am. जी जी. मैम मेरा जो क्वेश्चन है ना ये बुक्स से रिलेटेड है. मैम मैं मेरे पास ना आपकी ना इनसाइड जो 21 स्पेशल एडिशन वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 भी है और ये आपकी जो ना थर्ड एडिशन वाली एफपीपीएस पास पेपर रिकॉल्स वो भी है. तो मैम ये जो आपने नई बुक इंट्रोड्यूस कराई है वो मंगवाना लाजमी है या ये अगर आप ये साथ कवर करवा देंगे क्रैश कोर्स में? अच्छा मैं इस बात का जवाब दूंगी आपको बिल्कुल. ये तो कोई 100 क्यूरीज हैं इस पे और मैं बिल्कुल नहीं चाहती मेरा कैंडिडेट नई किताबें खरीदता रहे. नई किताबों से ना तो वो अरोमा फील होता, ना अटैचमेंट फील होती, ना खुशबू आती, ना उससे तो कुछ भी नहीं फील होता. पुरानी किताब ही हो. मैम एक्चुअली एक अक्टूबर में ही मंगवाई थी ना बुक्स में मैंने और नबीरा से बात भी हुई थी कि उन्होंने कहा अभी तक फिलहाल यही है ना, तो इसलिए फिर मैंने मंगवा ली क्योंकि लेकिन स्टार्ट नहीं की थी. मैं बताती हूं, मैं बताती हूं. जी जी आपको बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी, नो वरीज, काफी है ये. अच्छा ठीक है, अभी हमने काफी डिस्कस की है बेस्ट कोर्स की, तो वही सारी बातें हैं जो आपके दिलों से निकली हैं और मैंने महसूस की है. तो बेस्ट वे जो है ना स्मार्ट प्रिपरेशन का इन शॉर्ट वो ये है कि आपके रिकॉल्स कंप्लीट कवर हों, इस पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना. अगर वाकई 80% क्वेश्चन थीम रिकॉल्स की है तो फिर आपने 100% तो पीछे पड़ जाना इसी पूल के. और ऐसा है भी, मैं लिख के देती हूँ, आप अपेयर हो एग्जाम में, आप मुझे आके बताएं ये क्वेश्चन तो कभी देखा भाला नहीं है, मैं आपको फिर प्रूफ दूंगी ये कहाँ से निकला है. अगर कोई आपका एमसीपीएस का कैंडिडेट है तो वो मुझे बताए जिसने अभी एफसीपीएस के क्वेश्चन देखे हैं, क्योंकि जब ये पेपर देखे आए थे तो उनको लग रहा था कि पूल चेंज हो गया मैडम और आपको नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ है. फिर मैंने कहा नहीं चेंज हुआ, मैंने फिर उनका पेपर बनाया, ऑब्वियसली डालना था स्पेशल एडिशन में और इनकी अपनी बुक में, तो मुझे लगा ये तो हो चुका है. फिर मैंने उनके बजवर्ड डाल के देखा तो वो सारे एफसीपीएस से निकले क्वेश्चंस. फिर उनको मैंने इवन मेरे जो 2-3 क्वेश्चन मिस हुए थे ना बाद में मैंने अपनी टेक्स्ट बुक देखी तो वो भी अपने मेंशन करके पर हाय रहे थे, मतलब वो मैंने पॉइंटर्स में नोट किए थे वो उस टाइम याद नहीं आया या क्या था, लेकिन आपने सब कुछ चलो नो वरीज,
जो रिसेंट पेपर वो आप पहले पहले करवा जो रिसेंट पेपर था तुम्हारी ना आवाज आधी समझ आ रही है और आधी नहीं आ रही सच में या सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा है बाकी सब कुछ कवर इवन कुछ क्वेश्चंस जो मेरे मिस थे ना मैंने वो भी बुक खोल के देखी आपने वो भी लिखवाए हुए थे इवन वही पॉइंट्स में ना मैंने वो सब कुछ नोट किया हुआ था बुक पे मुझे सब कुछ मतलब मिल गया ना लेकिन बस ये प्रॉब्लम आया था कि मुझे बैच में ना रिवीजन का टाइम नहीं मिला था जो रीसेंट पेपर्स है ना 20 21 वो आप पहले पहले कवर करा दें वो एक मरतबा हम रिवाइज भी कर लें ठीक है पॉसिबल है जो आपके ही उसमें उसमें से थे बिकॉज से नो डाउट जो नए भी थे ना इवन वो भी आपने लेक्चर्स में बताए हुए थे वो पॉइंट्स बिल्कुल जिसने थीरी कवर की हुई थी एमसीपीएस वाले बच्चे जो थे ना वो बड़े कॉन्फिडेंट थे क्योंकि अगर वो रिकॉल्स नहीं बने थे तो वो थीरी में कवर थे नो डाउट मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ और ऐसा हुआ भी था और जब हम वो का पेपर करेंगे तो आई विल टेल यू बिल्कुल और फिजा ने भी इसको इसको इस बात को ना रीइंफोर्स किया तो अगर वो फिजा कह रही है और बाकी लोग भी कह रहे हैं यू कैन यू नो रीड देयर रिकमेंडेशंस एंड फीडबैक आई विल सेंड लिंक्स अगर मिस हो गए आपसे तो वो यही है कि थीम बच्चों वही होती है पेपर की जो वो रिकॉल से आती है लेकिन विदाउट बैकग्राउंड नॉलेज वो ना एक्सक्लूड नहीं होता मतलब एक अभी आप देखें 5 के 5 ऑप्शंस बेस्ट होती हैं आपको ये नहीं समझ आती कि दी बेस्ट कौन सी है तो ये एक इसके लिए बड़ी एक्सपर्टीज चाहिए इसके लिए एक्सपर्टीज इस तरह ही गेन कर सकते हैं कि टॉपिक पे ग्रिप हो और उसके जितने डिफरेंशियल्स हैं उन पे ग्रिप हो और वैसे काफी सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व भी किए हो तो फिर आराम से पेपर में बड़े शॉर्ट टाइम में आपका जो माइंड है ना वो बड़ा ट्यून हो चुका होता है कि आप फटाफट एक्सक्लूड कर लेते हैं और जो सीपीएसपी के क्वेश्चन है ना तब तुम भी पेपर देके आओगे तुम भी ये कहोगे कि मैडम ये एक्सक्लूजन पे ही सॉल्व हो सकते हैं अगर कोई रिपीटर है तो मुझे बता दे ऐसे ही होता है ना ये नहीं है ये नहीं है ये नहीं है तो भाई पीछे क्या बचा बी आला के दिल बी पे भी नहीं जा रहा होता मैम एक्सक्लूजन क्राइटेरिया आपको सारे बेस्ट लग रहे होते हैं लेकिन आपने फिर पिक वन ऑफ द बेस्ट करना पड़ता है मैडम आप अगर पहले हमें जो क्रैश कोर्स है उसमें अगर ये जो रीसेंट 2 इयर्स के पेपर्स हैं 2022, 2021 और 2020 इस तरह स्टार्ट करा दें तो ये हम एंड पे इनको रिवाइज हम कर सकते हैं 2-3 दफा बिकॉज मोस्टली जो है वो पूल ही रिपीट होता है बहुत कम 20-30% नई चीजें आती हैं टॉपिक्स बेसिकली वही होते हैं क्वेश्चन को वो आगे अमेंड कर देते हैं ठीक है मैं इसके बारे में अपनी ओपिनियन दूंगी मेरा भी यही पॉइंट है नहीं मैं इसके बारे में अपनी ओपिनियन दूंगी कि मैंने ये पेपर एंड पे क्यों रखे हैं अगर आप मेरी ओपिनियन से एग्री हो गए तो ठीक है वरना मैं इनको पहले ले आऊंगी कराने तो मैंने सारे ही हैं अच्छा ठीक है तो हमने बेस्ट कोर्स का पढ़ा कि स्मार्ट तैयारी क्या होती है शॉर्ट टाइम में जिसमें आपका पूरा पूल कवर हो सिर्फ एफसीपीएस का नहीं बल्कि एमसीपीएस का भी ठीक है और लगे हाथों आईएमएम का भी क्योंकि लेबर और कॉन्ट्रासेप्शन और इन्फेक्शन के लिए अगर सबसे अच्छा कोई सोर्स है तो वो आईएमएम का पूल है अच्छा फिर हमने जो है सोचा है कि भाई जब 80-90% क्वेश्चंस आ रहे हैं थीम सिमिलर थीम तो वाई टू सेक्रीफाइस जितने भी अवेलेबल क्वेश्चंस हैं वो सारे करें मतलब 2010 से ऑनवर्ड अवेलेबल हैं तो वहीं से स्टार्ट करें ओके या एमसीपीएस का 2015 से ऑनवर्ड अवेलेबल हैं तो वहीं से स्टार्ट करें टिल रिसेंट जो अभी सेप्टेम्बर में हुआ है या आईएमएम के भी अवेलेबल हैं 2014 से टिल डेट अभी जो अगस्त में हुआ है इनका ये कवर हूँ और इसी तरह हमारा एक ना ऑर्गेनाइज्ड रीकैप भी हो जाए सिमिलर क्वेश्चंस का जैसे हम ऑब्वियसली पेपर तो पूरा ही करेंगे लेकिन अगर हम कितना ही अच्छा हो कि सारे क्वेश्चन सारे जो रिकॉल्स हैं लेबर के वो इकट्ठे भी कर लें और साथ ही उस मॉड्यूल के को क्विकली जो है रिकैप कर लें तो इस तरह बड़ी ज़बरदस्त आपकी थीरी भी कवर हो जाएगी अगर आपसे मिस हुई है ठीक है वो हजरात इनकी थीरी अच्छी नहीं है तो उनकी थीरी भी कवर हो गई तो ये भी एक बेस्ट कोर्स में होना चाहिए और देखें फिर भी मैं तो 4-5 साल से पढ़ा रही हूँ यार मुझे नहीं लगता ये रटा कहाँ से जाता है ये फिर भी आ जाता है ठीक है लेकिन इसकी जो इसका तरीका है रटा का मैं इसको रटा नहीं कहती होता ये है कि हम एक क्वेश्चन को ना 2-3 अंदाज से लेते हैं लाइक हम कहते हैं कि हमें अब रिकॉल्स तो आधे होते हैं बस स्टेटमेंट लिखी होती है अब ये नहीं पता होता कि स्पेसिफिक बोल रहे हैं या जनरल बोल रहे हैं
तो इसलिए हम दो कीज बनाते हैं, जर्नल भी और स्पेसिफिक भी। कुछ लोगों को लगता है ये रेटा है, तो ठीक है अगर ये वाकई रेटा है तो मैं इसको सेपरेट एक ग्रुप में ऐड कर दूंगी, सारी चीजें जो चेंज हुई हैं, जो डिस्कशन के दौरान कंसेंसस से हमने कोई भी की चेंज किया, तो अलग से उसको ढूंढना आराम से हमारे लिए पॉसिबल होता है, वरना पूरे पूल में ढूंढना मुश्किल होता है। ठीक है, और आप आपकी थीरी को भी इस अंदाज से कवर किया जाए कि आप क्विकली उनके फ्लैश कार्ड्स पढ़ ले, समरी कार्ड्स। वैसे तो थीरी कोर्स वालों को मैं करा चुकी हूँ, नो वरीज, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने थीरी ज्वाइन नहीं की। अच्छा, आप लोगों का क्या और ओपिनियन है, कैसे होते हैं मेरे थीरी, मेरे लाइक कार्ड्स जैसे मैं बनाती हूँ, कोई फायदा होता है उनका? नहीं मैम, बहुत प्रिसाइज होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको पढ़ के ना क्लियर हो जाती है चीजें, पढ़ना क्या है क्या। ठीक है, देखें कुछ हर बंदा जो है ना वो वीडियो लेक्चर ओरिएंटेड नहीं होता, और हर बंदा बोर हो जाता है दो दो तीन तीन घंटे का सेशन लेना, तो और मैं भी हो जाती हूँ। वैसे मैं सच बता रही हूँ, मैं मुझे मौत पड़ती है कोई भी वीडियो लेक्चर लेते हुए, मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार मैं पढ़ लूँ, और होते हैं मेरे जैसे लोग भी, तो उनके लिए ये है कि दे कैन रीड एज वेल, जो भी सिमिलर चीजें हैं, मुश्किल चीजें हैं, जो भी किसी टॉपिक में जो चीजें सेलियंट चीजें हैं, जो पढ़ना जरूरी है, वो आपको रिटर्न भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस बेस्ट कोर्स का नाम है FCPS क्रैश रिवीजन कोर्स। मेरी जो IMM की बुक थी फोर्थ एडिशन, वो खत्म हो गई है पूरी, तो फिफ्थ एडिशन मैंने निकालना था और उसका एक पेपर भी लगाना था इसमें अगस्त का, वो मैंने लगा दिया है, वो अवेलेबल है। जिनके पास पहली है तो वो फोर्थ एडिशन ही रखे, एक ही पेपर तो नया आया है। ठीक है, वो वीडियो में कवर हो जाएगा। फिर ये मेरी इनसाइड थर्ड एडिशन की जो मेरी FCPS की बुक है, ये उसका फोर्थ एडिशन है। उस बुक में 2020 तक के पेपर थे, 21 का नहीं था और 22 का नहीं था। और जब ये 21 मैं कह रही हूँ तो इससे मुराद है कोई 5 पेपर, क्योंकि एक इवनिंग में हुआ, एक मॉर्निंग में हुआ, एक FCPS, एक KSA में हुआ, एक पाकिस्तान में हुआ, तो एक साल में कुछ 4 पेपर आ गए नए। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि 2022 के पेपर, तो ये भी कुछ 4 आ गए, एक पाकिस्तान में हो रहा है, एक KSA में हो रहा है, ऐसा ही है ना, एक 24 को हो रहा है, एक 25 को हो रहा है। तो ये तो कोई बन गए 10 के करीब पेपर, और ये पेपर अगर एक बुक में लगाती हूँ वो तो फिर उठाना मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए इसके 2 वॉल्यूम बन गए। बट आई विल मेक श्योर जब ये बुक फार्म में रिलीज हो तो एक ही बुक हो, वो बड़ी साइज कर दे, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता कि एक बहुत सारे वॉल्यूम्स लेके वो बड़े बड़े हजार हजार पेजेस की बुक पढ़ी जाए, कौन पढ़ता है। तो मतलब नहीं अच्छे हो तो 1000 पेजेस की तो EBM भी नहीं है। ठीक है, आई हैव सीन मैनी रिकॉल्स बुक जो कि सिर्फ 3 पेपर ही 1000 पेजेस के, 6 पेजेस के हैं, तो इट लुक्स वेरी फनी फॉर मी। तो मैंने तो ये पूरा पूरी कोई 600 पेजेस में लगा दिया है, और टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है, आपका टाइम बचे, रीडर का टाइम बचे, और इतना हैवी बुक्स देख के होल भी ना चढ़े। ठीक है, कॉपी वाला मसला ताहिरा मैं बताती हूँ एंड पे। तो जो वॉल्यूम 1 है, इसमें 2010 से लेके 2018 तक के पास पेपर्स हैं, और इसमें जितने भी रेटा थे ना, जितने भी रेटा थे इसमें ऐड कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई पॉसिबल है, वो रेटा नहीं होगा, फिर वो आपकी अप्रोच होगी डिफरेंट। जैसे मैं बता चुकी हूँ कि आपको लगता है, जैसे कल ही बात हो रही थी कि मैडम वो जो ट्राइकोमोनास है इसमें एक जगह वेट माउंट लिखा हुआ है, एक जगह HVS लिखा हुआ है, तो मैं बोल रही थी भाई वेट माउंट तो इनिशियल है ना, बट सेंसिटिव नहीं है, सेंसिटिव करेंगे तो फिर वो नेट है, और नेट कहाँ से लेना है, वो HVS से लेना है, बल्कि अच्छा तो ये है कि VVS से ले अगर वो ऑप्शन में हो, बट बिलीव मी किसी एक ऑप्शन में भी VVC नहीं होता, बल्ब वो जनरल होता ही नहीं है, जो बेस्ट है वो तो होता ही नहीं है, तो क्या करे बंदा, फिर एक्सक्लूड करें, फिर सेकंड सोर्स तो एंडोसर्वाइकल स्वैब है ना, फिर वो करें चूज, और यूरिनरी सिम्टम्स हैं तो फिर कंप्लीट यूरिन पे आए, तो इट डिपेंड्स के पूछ क्या रहे हैं, अवेलेबल क्या है, उसी में से हमने नेगोशिएट करना है। अच्छा, तो दो वॉल्यूम 2 है ना, उसमें हमने 2019 से 2022 तक के पेपर्स ऐड कर दिए हैं। इसमें ना KSA का पेपर भी है, FCPS का, जो कि आई थिंक पूरे KSA में 2 ही बच्चे गए थे पेपर देने, दोनों ही मेरे लकली स्टूडेंट थे, और उन्होंने बड़ी हिम्मत की, और मुझे कोई 5 दिन पहले वो पेपर मिला है, और फिर मैंने वो उसको टाइप किया है, कोई 110 क्वेश्चंस मैंने टाइप किए हैं, और मैं बाकी टाइप नहीं कर पाई। ठीक है, बाकी मैं फिर कवर कराऊंगी अपने क्रैश कोर्स में। चलें,
तो ये आपके दो माध्यम्स हो गए फोर्थ एडिशन के. और फिर अभी किसी कैंडिडेट ने बोला कि मेरे पास तो थर्ड एडिशन है और थर्ड एडिशन में डाटा सीनियर्स ने ऐड करा दिया है, तो फिर आप ना लें फोर्थ एडिशन, फिर आपके सिर्फ 21 और 22 के पेपर ही मिसिंग है ना, बस वो अटैच कर लें, डोंट गो आफ्टर यू नो फोर्थ एडिशन. मैं तो नहीं चाहती आप किताबें चेंज करते रहें हर साल, एडिशन तो आएंगी ऑब्वियसली, किताब खत्म होगी छपेगी तो सर. बट जो जो बेसिक बुक होती है ना उसमें लिख चुके होते हैं कैंडिडेट, और जब वो लिख चुके होते हैं उनकी पेज मेमोरी बन जाती है, फिर उसको चेंज करें फिर वो कहते ना वो धोबी का डैश उधर का ना उधर का वो वाली हैलत हो जाती है. तो मुझे तो अपने पुराने नोट्स पसंद है, मैं अभी भी जब पढ़ाती हूँ ना वही अपने निकालती हूँ FCPS का पलंदा उठा के, वही से समझ आती है कि है चल क्या रहा है. हालांकि एडिशन भी चेंज हो गए हैं लेकिन पता है माइंड ही सेट नहीं करता. मुझे पता है वो कोने में गुनोरिया के ऊपर मैंने कही ये दो बातें लिखी हुई है, मैंने बस वही रिपीट रिवाइज करनी है, बाकी चीजों का ना मेरा माइंड ही सेट नहीं करता. और मुझे लगता है मैं भी कैंडिडेट रही हूँ तो बाकी आप लोग भी मेरे जैसे ही होंगे. तो ये आप स्पेशल एडिशन ले लें और गोली मारें बाकी सारे एडिशंस को. अच्छा, स्पेशल एडिशन में सिर्फ FCPS के पेपर नहीं है रीसेंट, इसमें MCPS के भी रीसेंट पेपर है, IMM के भी रीसेंट पेपर है. ठीक है, अब वो आप वो वाले कैंडिडेट हो ना जिसके पास क्या कहते हैं ना जिसके पास एक लास्ट ऑप्शन होती है कि मैडम मुझे बस वो बता दे कि बस मैं पास हो जाऊँ, एक वो लास्ट टिप कि मिनिमम तरीन मैं करूँ, मेरे पास तो टाइम नहीं है, बच्चे है, जॉब है, पैसे मैं भर चुकी हूँ, CPSP के पेपर भी देना है ऑब्वियसली, अब तो भर दिया, होना तो मैंने मैडम फेल ही है, बस एक उम्मीद बता दें कि बस एक कुछ करूँ तो उम्मीद लग जाए. ये जो उम्मीद लगने वाला एडिशन है ना वो स्पेशल एडिशन है, क्योंकि इसमें आपके रीसेंट 2021-22 के सारे पेपर है, MCPS के भी, IMM के भी, FCPS के भी. यही तमीज से कर लो ना, यही तमीज से कर लो, और इसमें थीरी जिस तरीके से पूछी गई है उसी अंदाज से थीरी कर लो यार, ले लोगे 75 ले सकते हो, और लिए भी हैं लोगों ने. मैं बताती हूँ, पहले तो देखो ना जब मैं 2000 ये तो थर्ड एडिशन है ना आपकी इनसाइट ना, थर्ड एडिशन जिससे मैंने पढ़ा था और सारी चीजें मार्क की में उसमें ना. अब वो आप वाली बातें नहीं कि आपके एंड पे बहुत टफ हो जाता है, लेकिन जिसमें आपने रीसेंट पेपर्स डाले हैं तो वो वॉल्यूम 2 है, वो हम ले लें सिर्फ, उसमें सारे पेपर्स हैं. मैं फिर आपको ये रिकमेंड करूंगी वॉल्यूम 2 ना लें, फिर स्पेशल एडिशन लें सिर्फ. फिर FCPS के क्यों करें आप, फिर MCPS के भी करें, IMM के भी कर लें रीसेंट. मैम ये स्पेशल एडिशन में दो किताबें आती हैं या स्पेशल एडिशन में एक ही किताब है, मैं ये सब ये पूछना चाह रही हूँ. स्पेशल एडिशन में ना पहले दो वॉल्यूम थे, 2021 के पेपर अलग थे, 22 के अलग थे. अब चूंकि 22 के सारे पेपर अवेलेबल है तो मैंने इसको कंबाइन करके एक ही बुक बना दिया स्पेशल एडिशन, और इसका भी थर्ड एडिशन आ गया ना, क्योंकि पहले वॉल्यूम 1 और 2 में गुजर चुका है. मैम इसकी कितनी चार्जेस हैं इस वाली के, ये जो स्पेशल एडिशन है इसके? वही जो पहले वॉल्यूम 1 और 2 के थे वही वाले हैं, वैसे मुझे याद नहीं है, इतनी मेरी किताबें हैं ना मुझे बिल्कुल नहीं याद. वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है ना, ये तो सेकंड एडिशन है ना, और ये आप जो शो कर रही हैं ये थर्ड एडिशन है. तो आप कह रही हैं इसमें सारे 2022 के सारे पेपर्स हैं? मैं बताऊं इसलिए ये थर्ड एडिशन है क्योंकि अभी रीसेंट जो अगस्त में पेपर हुए हैं FCPS के पाकिस्तान और सऊदीया में, वो तो नहीं थे अवेलेबल, वो तो अभी आ सकते हैं ना ऑब्वियसली, पेपर से पहले. थर्ड एडिशन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया. मार्केट में अवेलेबल होंगे, प्रिंस और निश्चर बुक वाले इनको प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन उनके मैन पावर के इश्यूज रहते हैं. मैं तो उनको दे चुकी हूँ अपनी हार्ड कॉपी ना, सॉफ्ट कॉपी. अब वो उनकी एडिटिंग हो रही है, प्रेस होगा, वो लाइकली फिर आपको मेयर एग्जाम मिलेंगे, जैसा कि उनका अपना तरीका होता है उसका, उसको बाईपास करने के लिए. वैसे जो इनके साथ कमिटमेंट होती है ना पब्लिशर के साथ, वो हरगिज इस चीज को लाइक नहीं करते कि उनकी बुक आने से पहले कोई लेजर कॉपी आ जाए, क्योंकि लोग मिसयूज कर लेते हैं, करते भी हैं लोग. लेकिन अब इसमें कैंडिडेट कहाँ जाए बगैर बुक के, कैसे पढ़े? और जब एक बुक एग्जाम के नजदीक आ रही है तो फिर क्या फायदा चार डालना है उसका? तो फिर A4 साइज में बाय एनी मीन मैं अपनी बुक जो है प्रिंट करा लेती हूँ, चाहे पब्लिशर नाराज हो, होता रहे. ठीक है, तो वो आपको मैं अपने कैंडिडेट्स को अवेलेबल कर देती हूँ.
और ये कोई आसान नहीं है, ये प्रिंटर इसलिए नहीं बने होते कि इस पर किताबें छपे, वो तो छापा खाने में छपती हैं, फिर इनके बेचारों की खराब हो जाती है मशीनें, इनके बड़े मसले होते हैं, तो दैट्स वाई ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है, क्योंकि वो पेपर भी अच्छा रिफाइन होता है, इंक यूज होती है प्रिंटर में, आप प्रिंटर निकलवा के तो देखे ना, तो यू विल, और जब वो खराब हो जाए फिर भी उस पर रिपेयर करा के देखे। तो मेरा जो बेनिफिट है इस पूरे प्रोसेस में वो ये है कि कैंडिडेट पास हो जाएं, बिकॉज अगर आप पास होते हैं ना और तो रिजल्ट अच्छा आता है, और कोर्सेज सिर्फ रिजल्ट्स पे चलते हैं, अनाउंसमेंट पे नहीं चलते। अगर मैं 2018 से लेके 2022 तक सर्वाइव कर रही हूँ तो इट्स मीन ये कोर्स इसलिए जिंदा है कि बच्चे पास हो रहे हैं, और जितने मर्जी नए कोर्सेज और मेंटर्स आ जाएं, मुझे नहीं लगता कि मेरे कोर्सेज में कैंडिडेट्स कम होते हैं। पिछले में अगर 150 थे तो करंटली अभी 310 बच्चे हैं, और वो सारे ऐसे नहीं है कि उन्होंने कोई फ्लायर या कोई ओरिएंटेशन सेशन लिया, वो सारे रिकमेंडेशन पे हैं क्योंकि उनके सीनियर पास हो गए, किसी का कोई तो ऑब्वियसली वो कहते हैं ना, ये एक ट्रेडमार्क कोर्स है, ऑथेंटिक ट्राइड एंड टेस्टेड वे है FCPS OBG कराने का। और अगर आप ये देखें ना 2010 के बाद जितने मेरे कोलीग्स हैं, दे आर वर्किंग अब्रॉड और यू नो वेरी गुड ऑन पोजिशन, व्हाट आई एम डूइंग आफ्टर 2018, पूरे 4 साल में मैंने सिर्फ क्या किया है, व्हाट आई हैव यू नो गेन, मैंने सिर्फ FCPS का पूल कंपाइल किया है, ऑर्गेनाइज किया है, इसको पढ़ाया है, इसको पढ़ाना सीखा है, इसको डिलीवर करना सीखा है, और इसमें PhD की है, तो हु कैन अंडरस्टैंड दिस कोर्स बेटर देन मी, तो ट्रस्ट मी द वे आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट करो। ये मैम मेरी थ्योरी बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुई थी, आप सिर्फ मैंने आपका कोर्स लिया था, ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वाइवास नहीं क्लियर हो सके तो अब रिपीट थ्योरी हो गई है। तो मैडम बस आपसे एक चीज मैंने पूछनी कि ये जो अभी आपकी थर्ड एडिशन है, इसके बाद ये फोर्थ एडिशन अलग चीज है जो दो वॉल्यूम्स में है, ये इससे डिफरेंट है? हेलो सिर्फ MCPS FCPS के रीसेंट पेपर ही तो नहीं है ना, तो इंस्टेड ऑफ दिस वो 3 नई किताबें खरीदे, व्हाई नॉट ही बाय ओनली 1 बुक जिसमें सिर्फ ये सारे पेपर उनके हो जाएं, और वो अपनी पुरानी बुक से ही याद करे जो भी पुराने पेपर किए थे। अब आपको शायद समझ आ गई हो। यस मैम, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम, इसमें अगर हम इनसाइड वॉल्यूम 1-2 ले लेते हैं तो हमें ये स्पेशल एडिशन लेने की जरूरत है? स्पेशल एडिशन में मैंने बोला ना सिर्फ FCPS के पेपर नहीं है, इसमें IMM और MCPS के भी रिसेंट पेपर है। अगर आपके पास IMM और MCPS का थर्ड एडिशन है तो फिर रिसेंट पेपर IMM और MCPS के कैसे करोगे, या तो फिर उनकी भी बुक्स लोगे, आपको तो बहुत सारी बुक्स अपडेट करनी पड़ जाएंगी। तो इफ यू हैव फोर्थ एडिशन ऑफ FCPS एंड इवन देन इफ यू आर हैविंग स्पेशल एडिशन तो ये बेटर है, इसमें IMM और MCPS का भी तो रीसेंट क्वेश्चंस है ना, आप इसके कंटेंट लिस्ट देखें, आपको फिर समझ आएगी कि मसला क्या है। ओके मैम, तो फिर हम स्पेशल एडिशन ही ले लें क्योंकि उसमें ऑल पेपर्स आ जाएंगे हमारे पास। हाँ बिल्कुल, अगर थर्ड एडिशन आपके पास है तो आप सिर्फ स्पेशल एडिशन लें, और अगर आपके पास थर्ड एडिशन नहीं है तो फिर आप फोर्थ एडिशन ही लें। अच्छा मैं बता देती हूँ कि आपने अगर पूल पढ़ना है तो आपने इसको बेसिक से कैसे कौन सी किताबें लेनी, आई विल टेल यू। मैं रिपीटर्स को के लिए एडिशन की बात कर रही हूँ, जो बच्चा है ही बिगिनर उसको क्या ओके तो जैसे कि मैंने बोला ये जो FCPS का ग्रैंड रिवीजन क्रैश कोर्स है, इसमें पहली दफा हुआ है कि मैंने रिवीजन भी ऐड की है थ्योरी की ना, बट इस तरह नहीं है कि मैं थ्योरी पढ़ाऊंगी, मैंने आपके लिए लाइव सेशन प्लान किए हैं,
8 हाँ, ये 8 लाइव सेशन मैंने प्लान किए हैं. और सबसे पहला लाइव सेशन है जैसे जनरल गायनी, जिसमें अगले प्रेगनेंसी हम और एयूबी करना है. तो इसमें मैंने क्या करना है, जितने भी अर्ली प्रेगनेंसी एयूबी के वो घटिया क्वेश्चन होते हैं जो तंग करते हैं, वो कंपाइल करके ना आपको लाइव लेके मैंने बता देना है कि देखो ये पेशेंट आई है लाइक अर्ली प्रेगनेंसी से 6 हफ्ते पे है और उसको बड़ा सवेयर पेन है, इसका यूबीटी पॉजिटिव है और नीचे ऑप्शंस में है थ्रेटन मिसकैरियज और एक्टोपिक लाइक इस तरह की चीजें. तो इसमें आपने जो कि पेन सवेयर है तो आप एक्टोपिक कर लें, और दूसरी पेशेंट आ गई है तो फिर एक टॉपिक को क्विकली हम कर लेंगे कि टॉपिक क्या होती है और टॉपिक की टाइप्स क्या है, हर एक टॉपिक का डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है. देखिए हर एक टॉपिक का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, टीवीएस होता है, बट एब्डोमिनल एक टॉपिक का टीवीएस नहीं है. ऑब्वियसली एब्डोमिनल है, टीवीएस तो नहीं हो सकता, ठीक है, या तो स्कैन है एब्डोमिनल और सब पैसिफिक ब्रैबर आई है. तो इस तरह हर एक हर टाइप ऑफ एक टॉपिक का कर लेंगे. फिर और हर टाइप ऑफ एक टॉपिक की मैनेजमेंट डिफरेंट है. ट्यूबल एक टॉपिक की तो मेडिकल हो सकती है बट एब्डोमिनल की तो नहीं हो सकती ना, ओवेरियन की भी नहीं हो सकती और कॉर्नुअल की भी नहीं हो सकती ना. तो वो क्विकली हम फटाफट यू नो रिवाइज कर लेंगे, देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. उसमें आएगी वही पेशेंट 6 हफ्ते पर उठती पीटती बट अब उसको ब्लीडिंग ज्यादा है, पेन कम है, फिर हम कहेंगे यार इसको तो ब्लीडिंग ज्यादा है ना तो ये थ्रेटन्ड हो गया है. तो फिर थ्रेटन्ड मिसकैरेज को हम क्विकली रिवाइज कर लेंगे कि थ्रेटन्ड मिसकैरेजेस में क्या होता है, कब फोलिक एसिड देनी है और कब उसको प्रोडेस्टिनान चलाना है, क्या प्रीरेजिकुलेट है, कब तक चलाना है, और ये इसमें स्कैन के डायमीटर्स किए हैं, ठीक है. फिर तीसरी क्वेश्चन हम कर लेंगे, यही मरीज आ जाएगी रोती पिटती और अब ये कहेगी कि मुझे बुखार हो गया है और TLC 50,000 पहुंचे हुए और FCA भी पॉजिटिव है, और अब फिर क्या है ये, अब इसके मैनेजमेंट बताओ. फिर आप कहोगे FCA तो पॉजिटिव है मैडम, इसको कंजर्वेटिव चला लेते हैं, और मैं कहूँगी नहीं बिकॉज इट इज सेप्सिस एंड यू हैव टू इवैक्यूएट, और फिर हम सेप्टिक मिसकैरेजेस पढ़ लेंगे और उसके हम बजबट कर लेंगे. तो इस तरह हम क्वेश्चन लेंगे और सारा अर्ली प्रेगनेंसी जितने प्रॉब्लम है एक्टोपिक मिसकैरेजेस मोलर के वो हमारे टॉपिक्स भी हो जाएंगे, ठीक है. सेम गोज फॉर सेकंड, हमारा नेक्स्ट वीक एक सेशन होगा जिसमें हम इसी तरह कॉन्ट्रासेप्शन और एंडोक्रोनोलॉजी मतलब PCO थायराइड और प्रोलैक्टिन्स और एंटीबायोटिक जितने बड़े डिसऑर्डर्स हैं वो क्विकली विद देयर क्वेश्चंस कर लेंगे. तो आप इस तरह करते रहेंगे तो आपको आपकी एक्सक्लूजन एक्सक्लूड करने की जो है ना सलाहियत बढ़ती रहेगी और आपके टॉपिक भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होते रहेंगे. इसी तरह 15 को हम यूरोगाइनी इनफर्टिलिटी करेंगे, 22 को हम ऑन्कोलॉजी करेंगे, 29 को फिटल मेडिसिन कर लेंगे और 5th जैन को मेडिकल डिसऑर्डर कर लेंगे, 19 जैन को लेबर कर लेंगे और 26 जैन को ओब्स की इमरजेंसीज और परप्यूरियम के मसले, डिप्रेशन और साइकोसिस और सेप्सिस और लैक्टेशनल इश्यूज ये कर लेंगे, ठीक है. और ये थीम ये होगी कि इसमें एग्जाम टेस्टेड रिकॉल्स हों सारे पूल से जो भी FCPS MCPS IMM के पेपर्स हैं, बिकॉज मेरी बुक है मुझे तो बस बस डालना पड़ता है टॉपिक के कुछ 100 क्वेश्चन निकल आते हैं एंड आई विल कवर देम इन वन गो, ठीक है. तो इस तरह आपकी इससे अच्छी रिवीजन स्मार्ट वे में ना शॉर्ट टाइम में पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आप तो मर जाओगे 60 डेज में, तो तुम लोगों का ऑनकोलॉजी नहीं खत्म होने वाला अगर तुम इसको प्लेन पढ़ो पेज टू पेज, ठीक है. बट हम कैसे पढ़ेंगे ऑनकोलॉजी, हम पढ़ेंगे ये पेशेंट आई है पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग है इसको तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा कराना है, हम कहेंगे भाई हमने TVS कराना है, बट कुछ दूसरे क्वेश्चन में आएगी बट TVS हो चुके एंडोमेट्रियल थिकनेस तो इसकी 4 है, फिर क्या कराना है, कुछ भी नहीं कराना, रीअश्योर कराना है क्योंकि मोर देन 4 होगी तो कराएंगे ना बायोप्सी. फिर एक और पेशेंट आएगी फिर वो कहेगी नहीं इसकी तो थिकनेस 4 है और कहीं फोकल लिया ना 8 mm के, नहीं फिर हम कहेंगे नहीं फिर हम तो बायोप्सी कराएंगे ना, तो वो फिर बायोप्सी कौन सी कराएं, स्टेरो या पाइपल, नहीं हम कहेंगे जो उनके फोकल लिया ना तो हम स्टेरो कराएंगे. फिर यही पेशेंट आ जाएगी जो 4.5 mm थिकनेस के साथ आएगी और वो इवन होगी, फिर वो कहेंगे हम क्या कराएंगे, फिर उसमें हम पाइपल करा लेंगे ना. इस तरह हमारी यू नो हम टू द पॉइंट एंडोमेट्रियल मैलिग्नेंसीज पढ़ेंगे, ठीक है. वो रिकरेंस वाली आ जाएगी जिसके मल्टीपल मैट्स बिखरे हुए हैं एंडोमेट्रियल कैंसर में, उसको हम कीमो दे देंगे, बट जो सिर्फ पल्मोनरी मैट्स के साथ आएगी उसको हम प्रेडिस्टिनॉन दे देंगे, एक रिकरेंस के साथ आ जाएगी, ठीक है, और फिर हम उसकी रिकरेंस पढ़ लेंगे. इसी तरह ओवेरियन कैंसर वाली आ जाएंगी स्टेज 3 में, तो हम स्टेज 3 के साथ स्टेज वाइज ट्रीटमेंट सारी ओवेरियन कैंसर की देख लेंगे. एक आ जाएगी रिकरेंस के साथ तो फिर हम सारी रिकरेंसेस देख लेंगे. एक आ जाएगी सर्वाइवल के साथ के भाई इसको तो 1C है सर्वाइवल बता दें, तो हम सारे सर्वाइवल कर लेंगे. तो इस तरह हमारी ऑनकोलॉजी एग्जाम ओरिएंटेड वे में ही होगी, ठीक है. और ये सबसे बेस्ट थिंग है इस पूरे कोर्स का, अगर 90% बेनिफिट है ना तो ये सेशंस हैं. इसके बाद अब पेपर भी नजर से गुजरे तो तसल्ली होती है ना,
तो फिर ये है हमारे पास 60 डेज एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1st December. तो पहला ही सेशन हम अर्ली प्रेगनेंसी का ले लेंगे और सारे क्वेश्चन कर लेंगे. सेकेंड डे हम मॉडल पेपर कर लेंगे, मॉडल पेपर वन कर लेंगे, मतलब FCPS का. और उससे अगले दिन हम MCPS का एक पेपर कर लेंगे, उससे अगले दिन हम IMM का एक पेपर कर लेंगे, और उससे अगले दिन हम इन तीनों चारों पेपर्स में जितनी थीरी आई है उसके रेलेवेंट कार्ड्स कर लेंगे, वो आपकी थीरी रिवाइज होगी. फिर सेम अगर अगले दिन फिर FCPS का पेपर कर लेंगे, फिर MCPS का कर लेंगे, फिर IMM का कर लेंगे. बट लाइव सेशन आपका हर थर्सडे को ही होगा, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह आपके 8 लाइव सेशन हो जाएंगे और हमारा ये चलता रहेगा. तो इसमें आपके पास रेस्ट कितने, मतलब इजी हो गया ना. एक दिन में एक ही काम करना है, मतलब एक दिन में एक ही पेपर करना है, एक दिन में एक ही पेपर करना है. जिस दिन लाइव सेशन है उस दिन कोई काम नहीं करना, जिस दिन कार्ड्स कर रहे हैं उस दिन कोई काम नहीं करना. तो आपको सिर्फ इस कोर्स को अच्छे तरीके से करने के लिए बिलीव मी सिर्फ 3 या 4 घंटे चाहिए. बस 3 या 4 घंटे में हो जाएगा ना, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता. अब जिनकी थीरी चल रही है तो वो 3-4 घंटे थीरी पढ़ लें साथ ही साथ, बल्कि जिनकी चल भी नहीं रही तो वो भी पढ़ें, क्योंकि थीरी तो रिवाइज करनी है ना. ऑब्वियसली मैं पढ़ा दूंगी, रिवीजन तो करनी है आपने. तो इस तरह हम चलते रहेंगे और हमारा ये जो है दिसंबर खैर आफियत से गुजर जाएगा, फिर हमारा जनवरी स्टार्ट हो जाएगा. जनवरी जब हम कर रहे होंगे तो हमारा IMM 2017 चल रहा होगा, FCPS 2018 चल रहा होगा, और MCPS पे चल रहा होगा 2019 तक. तो ये चलता रहेगा टिल दैट हमारी एग्जाम डेट आ जाएगी, हमारे सारे पूल 30th तक खत्म हो जाएंगे. और फिर इसके बाद आपकी जो है ना, बस आपने अपने कार्ड्स को क्लिक करने और बस काम खत्म. जिसने यहाँ तक जो पहुँच गया ना, जो यहाँ तक पहुँच गया और उसने ट्रस्ट किया है ना मुझ पे, बिलीव मी आप जो है ना बहुत सेफ हो, बिलीव मी, ट्रस्ट मी. क्योंकि कुछ नहीं बचने वाला, इतना सारा 25,000 का पूल तुम लोगों ने कर लिया, टॉपिक ही पूरे गाइड के 100 और 110 है. तो 5,000 दफा तो तुम लोगों ने उसी टॉपिक को डिफरेंट अंदाज में गो थ्रू कर लिया, रह क्या जाता है पीछे. फिर तो अब तुम्हारी हालत ही हो जाएगी कि मैं क्वेश्चन देखती हूँ, मैं आंखें बंद करती हूँ, मुझे पता होता है पहली ऑप्शन क्या है, दूसरी ऑप्शन क्या. अब तो ये होता है बच्चे क्वेश्चन देते हैं तो मैं कहती हूँ नहीं यार ये ऑप्शन मिसिंग है, ये ऑप्शन होनी चाहिए थी, क्योंकि MCPS में ऐसे आई थी, FCPS में ऐसे आई थी, IMM में ऐसे आई थी. बिकॉज तुम लोगों के लिए तो तुम्हारा ही पेपर है ना, बट आई नो तुमसे पहले के लिए क्वेश्चन कैसे कैसे आ चुका है. और जब आपको मैं पढ़ाती हूँ ना तो फिर मैं सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं बताती, उससे रिलेवेंट जो आगे पीछे होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं. और एंड पे तो तुम लोग सुनना ही पसंद नहीं करोगे, तुम कहोगे मैडम पेपर भेज दें हम खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है? तो हमारा इस तरह आ जाएगा क्रैश कोर्स. और इफ़ यू वांट टू जॉइन अस, ये आपका जाना पहचाना नंबर है. लोग मुझे कहते हैं मैडम 2 नंबर रख लें, ये एक नंबर तो वो सो भी जाती है तो, और ऑब्वियसली एक ही नंबर है तो बंदा कहीं होता है. 2 नंबर रखने के लिए, ये एक नंबर नहीं है, ये एक पूरा बंदा है जिसकी ड्यूटी यही है कि ये फोन अटेंड करें. और ये एक पूरी अजियत है, यू कॉन्ट डू एनी थिंग. आप कहीं भी जाओ आपको साथ तो मोबाइल चल रहा है. तो मैं सोच रही हूँ एक और नया सेक्रेटरी जो है मुझे मिल जाए, जिसको मैं दूसरा नंबर दे दूँ, बट फिलहाल अभी मेरे पास यही है. चलें, डॉक्टर मेरा एक क्वेश्चन है, जो आप ये हम लोग ये पेपर्स करेंगे मॉडल पेपर्स, ये आप अभी शेयर भी क्या करेंगी या वो हमारे हम बुक से ही क्या करेंगे? क्योंकि मेरे पास अभी कुछ IMM वाली बुक्स तो नहीं है, सिर्फ FCPS वाली है पेपर्स की. अच्छा, तो कोई मसला नहीं है, मैं पेपर सारे शेयर करूंगी, स्क्रीन शॉट्स पूरे पेपर के आपके पास होंगे. बुक नहीं भी है तो बस कोई मसला नहीं. जी जी, टाइमिंग जब आप आ जाते हो वार्ड से लाइक 3 PM जो लाइव सेशन होगा ना वो हम रखेंगे लाइक 4 बजे 4 से लेके 6 PM तक. दोपहर में खत्म कर लेंगे क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना मुझे रात को नहीं स्पेयर करते, बड़ा मसला होता है. डिनर टाइम होता है, क्लॉस फैला होता है, पीछे बच्चे रो रहे होते हैं, झंझलाहट होती है. या कभी कभार ऐसा भी होगा, मे बी कभी कभार हम इसको तब रख लें जब बच्चे सो जाएं रात के 10 बजे, जैसे वीकेंड पे है ना, तो फ्राइडे को कर लिया 10 बजे. अस्सलाम वालेकुम मैम.
सॉरी मैं थोड़ी सी बिजी थी. ओके आप क्या बात कर रहे थे बच्चों? कोई क्यूरी है तो बता दें अबाउट क्रैश को. अच्छा मैंने ना आप लोगों के ना ग्रुप्स बनानी है, मतलब एक ग्रुप होगा जिसमें आप डिस्कशन करेंगे लेकिन हर वक्त नहीं करेंगे, सिर्फ ठीक है जिसमें आप लोग भी अवेलेबल होंगे और मैं भी अवेलेबल होंगी. वरना क्या होता है सारे दिन मैसेजेस करते रहते हो. और फिर पढ़ोगे कब? ठीक है लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग होगी से ना, क्यों नहीं होगी, इतनी जालिम नहीं हूं मैं. अच्छा तो अब पहले डिस्कशन के जो टाइमिंग होगी वो फिक्स होगी, और जो पहला ग्रुप होगा ग्रुप नंबर वन उसमें जिस दिन हम FCPS का पेपर करेंगे उस दिन आपका पूरा पेपर FCPS का सारे पेजेस उसके बट यू कैन नॉट डाउनलोड देम, आप पढ़ सकते हो और वो आप एग्जाम तक पढ़ सकते हो जब भी खोलो, वो आ जाएगा पेपर ठीक है. और उसकी फिर वीडियो एक्सप्लेनेशन आ जाएगी या ऑडियो आ जाएगी ठीक है. मुझे लगेगा कि बहुत रिपीट सी बात है तो मैं ऑडियो बना दूंगी ताकि आप लोगों को वो गप्पे सुनने का वीडियो वाला टाइम बच जाए. अगर मुझे लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसकी वीडियो आ जाएगी. बट पूरे 200 क्वेश्चंस उस दिन के जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट होंगे. फिर आपका दूसरा दिन होगा और दूसरा ही ग्रुप होगा, लाइक दूसरा ग्रुप होगा MCPS का, उसमें MCPS का पेपर आ जाएगा विद एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंसेस. आपने पढ़ना है, अगर आप ऐसे बंदे हो कि आपने पढ़ना है तो आप पढ़ लो, या आप ऐसे हो तो आपने सुनना है तो आप सुन लो, उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी. तीसरा दिन होगा तो तीसरा ग्रुप होगा, उसका नाम होगा MCPS IMM का ग्रुप, और उसमें IMM का पेपर आ जाएगा. वो आप पढ़ लोगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे, रेफरेंसेस देख लोगे. मुझे तो नहीं लगता इसके बाद आपको आपकी क्वेरी बचेगी क्योंकि हम लाइव सेशन में तो वो सब कुछ कवर कर चुके होंगे. होवर फिर भी कोई डिस्कशन रहती है तो डेली डिस्कशन आवर्स तो होंगे, उसमें अपनी क्वेरी पोस्ट कर दें ठीक है. और बहुत नाइसली ऑर्गेनाइज्ड वे में हम इसी तरह हमारा साइकिल रिपीट होता रहेगा और हमारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहेंगे. अब जिन लोगों का ख्याल ये है कि जो रीसेंट पेपर है वो पहले मिल जाएं, रीसेंट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और इतना टाइम नहीं होता उनको दोबारा तुम रिवाइज करो, तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, मेरा जब मैं कैंडिडेट थी एग्जाम में बैठती थी, जैसे मुझे ऑन्कोलॉजी बड़ा ही गंदा लगता था और भूल जाता था, तो मैं कभी भी ऑन्कोलॉजी इतना पहले नहीं करती थी, मैं करती ही एग्जाम के नजदीक थी ताकि रिवीजन ही ना करनी पड़े, वो फ्रेश फ्रेश मेरे माइंड में रहे. जैसे परसेंटेजेस मैंने निकाल के रखी हुई होती थी सारी एक जैसी हर टॉपिक की, तो मैं उनको स्पेसिफिकली एग्जाम के नजदीक उनके लिए टाइम रखती थी ताकि उसकी रिवीजन यू नो भी हो जाए और वो मतलब भूले भी ना, क्योंकि एग्जाम के नजदीक ही तो मैंने उसको पढ़ा है. तो मेरा ये फलसफा है, आपको ये फलसफा पसंद नहीं है तो हम इस क्वेश्चन इस सारे पेपर को हम पहले भी ले आएंगे क्योंकि मैंने तो सारे कराने हैं. नहीं डॉक्टर जरा एंड पे ही करेंगे फिर ना, एंड पे ज्यादा न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं और ज्यादा समझ आती है. इतने इंपॉर्टेंट पेपर शुरू में कर लोगे जब तुम वैसे ही तुम लोग सीरियस नहीं होते, तो वैसे इंसानी नेचर है सीरियस होता है एग्जाम से कुछ अरसा पहले. दिसंबर में नहीं सीरियस होते तुम लोगों ने, जनवरी के 15 जनवरी के बाद तुम लोगों के जो है ना हाथ पांव फूलेंगे. और ज्यादा अच्छा आर्ग्यू करते हो, तुम्हारे क्वेश्चन ही चेंज हो जाते हैं एग्जाम से 2 हफ्ता पहले, ऐसे ऐसे क्वालिटी क्वेश्चन आ रहे होते हैं, मैं कहती हूँ ये बच्चे मेरे ही हैं. समझ आती है, अच्छा अब सर पे पड़ गई है. डॉक्टर हीरा यही हम पूछना चाह रहे हैं कि मतलब जो आप करवाएंगी उसी से रिलेटेड हम मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं या मतलब कोई भी हम BCQ? अच्छा पहले होता था कोई भी चल रहा होता था, फिर इतना वो क्योस होता था ना, आपको आपको ट्रस्ट नहीं है कि मैंने ये सारा पूरी कराना है, क्या ख्याल है? मतलब नहीं देखिए ना, देखिए आपको ट्रस्ट तो है ये पूरे पेपर ही कवर होने हैं, तो क्या जरूरत है 2020 MCPS का पेपर पहले डिस्कस करने की, जब टाइम आएगा तब उस दिन कर ले. अभी तो मॉडल पेपर 1 कर रहे हैं ना, तो 1 कर लो भाई, अभी डिस्कस जरूर जाके IMM 2016 का पेपर इस दिन डिस्कस करना है. आप भी मुसीबत में और मैं भी मुसीबत में और जो ऑडियंस है वो भी मुसीबत में, ये कौन सा क्वेश्चन है. और डॉक्टर हीरा हमें HRT का भी थोड़ा आइडिया दीजिएगा, HRT में हम काफी कंफ्यूज होते हैं. नो HRT वो HRT तो इतना स्वीट टॉपिक है, नो वरीज, आने दें इस पे टाइम.
ठीक है ओके अच्छा आती तो बहुत हलवा है. अभी जो मेरे मेरे टॉक्स के बच्चे पास हुए ना वो सारा खानदान थे वो जो बड़े थीरी में एक्टिव थे. थीरी वाला बच्चा फेल करना आसान काम नहीं है. सारी उम्र नहीं वो अच्छा वो फेल होता वो बच्चा. ये आपकी बैकबोन है ये जो आपकी थीरी है. इसमें मौजजाती तौर पे पास होने की कोशिश ना करें. अभी हो भी गए मौजजाती तौर पे पास तो आगे पूरी उम्र भुगत हो गए. टीबी ना ट्रीट करना आएगा रिकरेंस ना ट्रीट करनी आएगी. अभी एक मेरा जब तुम लोग पास हो जाते हो ना तो मैं तुम लोगों को ऐड कर लेती हूँ अपने कंसल्टेंट ग्रुप में और तुम्हारी लर्निंग तो वहां से स्टार्ट होती है. दुनिया भर के अजीब अजीब केसेस जब आते हैं ना प्राइवेट आपके पास फिर आपको समझ आता है इसका क्या करना है इसका क्या करना है. फिर वहां डालते हो ग्रुप में फिर हम सब होते हैं हम उसको मैनेज करते हैं. तो अभी कार्पल टनल आया हुआ है मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा. बहरहाल अब चूंकि डिस्कशन चल रही थी तो मैंने भी इसको गूगल किया तो मुझे पता चला कि कोई बैंडेज लगती है स्पेसिफिक. तो सारी उम्र भूत भुगतते हो नहीं पड़ती तो मैम उनके टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी क्यों नहीं होगी. मैंने बोला ना आई हैव डन पीएचडी इन योर इन दिस क्रैश कोर्स जो एफसीपीएस का क्रैश कोर्स है ना दिस इज माय सिग्नेचर कोर्स. कोर्सेज तो मैं काफी करा रही हूँ एमआरसीयूजी के भी और एमएस के टॉक्स के बहुत सारे करा रही हूँ. बट ये जो एफसीपीएस का थीरी कोर्स है ना इसमें मेरा दिल होता है. हर बंदे की एक स्पेशलिटी होती है ना तो दिस कोर्स इज माई स्पेशलिटी. और अगर आप थीरी कोर्स में हो तो क्या आपको ट्रस्ट नहीं है कि हमने कितना अमेजिंगली थीरी कवर किया है की नहीं है इकरा मैमूना मरियम साइमा मैरा व्हाट यू से जान लगा दिया यार थीरी में. इसमें नो डाउट बहुत अच्छी तरह की है एक एक चीज को इन डेप्थ में हम गए हैं. हाँ ये तो मुझे तो बड़ा एक्साइटमेंट होती है जब हम कोई नो अच्छे तरीके से टॉपिक कर रहे होते हैं और तुम लोगों को भी एक्साइटमेंट होती होगी डेफिनेटली. और उससे ज्यादा एक्साइटमेंट पता था कब होती है जब पेशेंट पे वो अप्लाई करते हो फिर याद आता है यार ये तो ऐसे 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 करना था. आपको लग नहीं ना मैं कितनी एक्साइटेड हूँ. मैं इतनी एक्साइटेड होती हूँ थीरी अपने अपने क्रैश कोर्सेज में मुझे बस मजा ही बड़ा आता है. This is just मेरा प्रोफेशन तो है ये ऑब्वियसली मैं सिर्फ पढ़ाने के अलावा कुछ और नहीं करती I'm just teaching. लेकिन ना बड़ा एनर्जेटिक फील करती हूँ सब चीजें मुझे बड़ा एक्साइट और यंग रखती हैं. और क्रैश कोर्स में तो अजीब ही एक्टिविटी चल रही होती है ना नई नई चीजें नए नए क्यूरीज आ रही होती हैं. और आप लोग लर्न नहीं करते इसमें आप लोगों जितना आप लोग लर्न करते हो मैं भी आप लोगों से लर्न कर रही होती हूँ. और मुझे तो हैरानगी होती है इतने खामोश खामोश बच्चे उस अंदाज से सोच रहे होते हैं और करेक्ट करा रहे होते हैं. पिछले सेशन में ना मुझे लगा कि अब तो सारा डाटा आ गया अब तो बात खत्म हो गई अब तो ना डाटा आ ही नहीं सकता क्योंकि अब क्या आएगा अब तो भाई हमने हर चीज कर ली. उसमें एक लड़की थी मदीना यार उसने तो अन्नी बजा दी. शी करेक्टेड आवर 20 क्वेश्चंस. वो अलग बात है वो उसका टॉक्स नहीं हुआ समहाउ अल्लाह उसे पास करे लेकिन मैंने उसको बोला यही है कि तुम्हें This is just a hard luck, but you will go, inshallah, बहुत आगे जाओगी. तो ये जो टीम वर्क होता है ये बहुत अच्छा है. हम बहुत मल्टीपल माइंड होते हैं हम सोचते हैं वरना आप देखेंगे ये क्वेश्चंस डील करना आसान काम नहीं है. इट्स नॉट लाइक अ वन मैन शो. ओके आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक फॉर मगरिब प्रेयर. So, we are going to do a PMS. अब PMS की इतनी लंबी चौड़ी गाइडलाइन है भाई हमने चूंकि कमिटमेंट किया है स्मार्ट वे में करना है तो स्मार्ट वे बताती हूँ. हाउएवर ये जो इंपॉर्टेंट बातें हैं हर समरी को हर जीटीजी पढ़ने का मैंने तरीका बताया हुआ है कि एग्जेक्टिव समरी छोड़नी नहीं है ठीक है उसका एक लव गोड के पीना होता है आपने. तो एग्जेक्टिव समरी थी ये जो मैंने यहाँ छाप दी है. वैसे मैं एक बात बताऊँ यार ये जो अगर तुम लोगों को आता है ना लाइक थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करना तो कॉपी पेस्ट करके बड़े अच्छे नोट्स बनते हैं वो लिखना नहीं पड़ता. मैं अभी वो ग्रीन टैब गाइडलाइन कंपाइल कर रही हूँ मैं कॉपी पेस्ट करती हूँ तो बड़े अच्छे नोट्स बन जाते हैं वरना जब हाथ से लिखती हूँ ना बहुत टाइम लगता है.
तुम लोग भी आदत डालो, थोड़े से टेक्नो हो जाओ। चलो पीएमएस में ये होता है कि ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ना। वैसे पीएमएस मेरी एक ना कजन है, वो उसको बड़ा गंदा पीएमएस होता है, वो कहती है पीएमएस कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने कहा इसमें एक चीज अच्छी है, तो उसने कहा इसमें कुछ नहीं अच्छा, शी इज अ हाउस ऑफिसर, आजकल मेरे पास भी आई हुई है। तो क्या अच्छा है पीएमएस में से? शी सेड ये कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें। मेरा ख्याल है कुछ तो अच्छा है, बताओ। क्या अच्छा है? विल टेल मी। तुम लोगों को भी ये लगता है इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है? जब ये रिलीव हो जाता है तब अच्छी। अच्छा लेट्स सपोज आप ओपीडी में बैठे हुए हैं और एक पेशेंट आती है आपके पास प्राइमरी सबफर्टिलिटी के साथ, और यू नो के प्राइमरी सबफर्टिलिटी की जो मेजर काज है वो ओवुलेटरी डिसफंक्शन है, और हिस्ट्री के दौरान आपको पता चलता है उसको साइक्लिकल मूड स्विंग्स हैं, ब्रेस्ट टेंडरनेस है, इरिटेबिलिटी है, तो आप खुश हो जाते हो। आप कहते हो भाई ओवुलेटरी डिसफंक्शन नहीं है क्योंकि तुम्हारी ओवुलेशन तो हो रही है क्योंकि पीएमएस जो हो रहा है, तो we will work on your tubal status, right? अगर husband semen analysis ठीक है, तो PMS में ये अच्छी बात है कि अगर किसी को PMS चल रहा है तो उसकी ovulation चल रही है। Okay, asymptom diary should be completed by the patient prior to the commencing treatment, ठीक है? GnRH analogs may be used for 3 months for a definitive diagnosis if the completed symptoms diary alone is inconclusive. अगर आपको सिम्टम डायरी से हेल्प ना मिले तो फिर क्या करना है? फर्स्ट स्टेप तो सिम्टम डायरी है 3 months की, और इसमें देखना है कि ल्यूटियल फेज में ही उसको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, बाकी वो ठीक है और साइक्लिकल है, बस ठीक है ये पीएमएस है क्लासिकल। लेकिन अगर आपको डाउट है इस पे फिर क्या करना है? फिर आपने उसको डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए क्या करना है? GnRH देने हैं। अगर GnRH देने से क्या होगा? ओवुलेशन नहीं होगी ऑब्वियसली, है ना? ओवुलेशन नहीं होगी, सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे। अगर GnRH देने से सिम्टम्स ठीक हो गए तो फिर क्या था? पीएमएस ही था ना। तो डेफिनेटिव डायग्नोसिस पीएमएस का तो GnRH दे दिया 3 months के लिए, बट एंडोमेट्रियोसिस के लिए क्या है? एंडोमेट्रियोसिस के लिए तो हम लैप्रोस्कोपी करा रहे होते हैं डेफिनेटिव, मसला तो उसमें भी ओवुलेशन है। सो देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ सेक्शन। When treating women with severe PMS, CBT should be considered routinely as a treatment option. ठीक है? Cognitive behavioral therapy. Women with PMS should be advised that although treatment with low dose danazole, 200 milligram twice daily, इसको कहते हैं low dose. तो इसका मतलब है जो इससे ज्यादा होगी वो क्या होगी? High dose. ठीक है, नहीं देनी high dose. वैसे तो danazole भी नहीं देना, but low dose दे सकते हैं. Is effective in the luteal phase for breast symptoms. It also has potential reversible virilizing effects. अब एक पेशेंट जो टिपिकल ब्रेस्ट सिम्टम्स के साथ आती है, आपके पास 5 ऑप्शंस है, पांचों की पांचों घटियां हैं, उसमें से एक डेनाजोल है 200 मिलीग्राम बीडी, और आपका दिल नहीं चाह रहा है देने को क्योंकि ऑब्वियसली रिवर्सिबल प्रॉब्लम्स हैं, हम नहीं देते डेनाजोल, बट जब वो बता रहे हैं टिपिकल ब्रेस्ट सिम्टम्स तो दे सकते हैं ना। क्या ख्याल है? पीएमएस में डेनाजोल कभी सुनी भी नहीं होगी, बट इफ देयर आर ब्रेस्ट सिम्टम्स then this is the best thing. When treating women with PMS, GnRH analogs should usually be reserved for women with the most severe symptoms and not recommended routinely unless they are being used to add diagnoses or treat particularly severe cases. So GnRH तो वैसे भी third line है, हम पहले देते भी नहीं है, हम तभी देते हैं जब हमारी पहली और दूसरी लाइने जो है वो फेल हो जाती हैं, ठीक है, या symptoms इतने severe होते हैं कि first second line से इतना effectively treat नहीं होते। फिर आ जाती है SSRI, इट शुड बी कंसीडर्ड फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इन सवेयर पीएमएस, ठीक है? अगर सवेयर पीएमएस है तो दिस इज फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट अगर पेशेंट में टिपिकल मूड स्विंग्स हैं। अच्छा जो SSRI है इसका एक मसला भी है, क्या है इसका मसला? कोई मसला है इसका? Reduce libido करती है। बट लिबिडो
लिबिडो रिड्यूस करती है नो डाउट. वुमेन विद पीएमएस ट्रीटेड विद एसएसआरएस शुड बी वार्न्ड ऑफ द पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट्स सच एज नॉजिया इंसोम्निया सोमनिलेंस फटीग एंड रिडक्शन इन द लिबिडो. अगर पेशेंट आए ही रिडक्शन इन द लिबिडो के साथ एंड फटीगनेस के साथ एंड नॉजिया के साथ तो फिर एसएसआरआई देंगे या ओसीपीज देंगे? दोनों ही फर्स्ट लाइन है. फिर ओसीपी देंगे. देखिए फर्स्ट लाइन भी एसएसआरआई है ओसीपी है और वो पुश भी फर्स्ट लाइन रहे हैं तो इसका मतलब है तो फिर हम तो फंस गए ना, हम क्या करें? फिर हमने बजवर्ड्स देखने हैं. ठीक है, एसएसआरआई के लिए बजवर्ड्स मूड चेंजिंग्स है, डेनाजोल के लिए ब्रेस्ट प्रॉब्लम्स है, और जो अगर पेशेंट जो ऑलरेडी इंसोम्निया और फटीगनेस नौजे के साथ है मूड चेंजिंग्स नहीं है उसके लिए फिर ओसीपीज है. ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट लाइन देखें तो ये नॉन फार्माकोलॉजिकल से स्टार्ट हो रहा है. एक्सरसाइज है, सीबीटीज है, विटामिन B6 है. तो जब आपसे वो पर्टिकुलरली पूछते हैं टेल अस फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, कैन वी से एक्सरसाइज? नो, नेवर. ठीक है, ये पूछते हैं आपके एग्जाम में आता होता है कि हमें मेडिकल मैनेजमेंट बताएं, लिखा होता है हमें नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट बताएं. जैसे ओवेरियन हाइपर स्मिशन सिंड्रोम में अक्सर पूछते हैं कि नॉन सर्जिकली बताओ भाई, मतलब नॉन सर्जिकल से मतलब मेडिकल ही होती है. वो वैसे मेडिकल लिखते नहीं है, पता नहीं क्यों नॉन सर्जिकल लिखते हैं. लेकिन फिर हम कर नहीं सकते पैरासिंथेसिस, तो फिर हमें बजवर्ड्स के मुताबिक ही ऑप्शन चूज करनी है. प्रॉब्लम ये नहीं होता कि आप लोगों को आता नहीं है, ये जो एग्जाम है इसमें मसला आपको ये होता है कि आपको पेपर रीड करके बजवर्ड नहीं पिक करना आते. ठीक है, तो बजवर्ड पकड़ेंगे तो पेपर करेंगे, वरना नहीं कर सकते. फिर इसके बाद ना कंबाइंड न्यू जनरेशन पिल्स हैं, साइक्लिकल और कंटिन्यूस. लेकिन अगर मैं कहूँ साइक्लिकल एक अलग ऑप्शन है, कंटिन्यूस एक अलग ऑप्शन है, तो फिर क्या चूज करेंगे? व्हाट इज द बेस्ट, साइक्लिकल और कंटिन्यूस? साइक्लिकल है ना? नो, इट इज कंटिन्यूस. पीएमएस और एंडोमेट्रियोसिस में कंटिन्यूस इज बेटर देन साइक्लिकल. चलें, और दूसरी थर्ड लाइन है कंटिन्यूस आर लूटियल फेज. लूटियल फेज मतलब 15 से 28 तक लो डोज एसएसआरआई दे सकते हैं जिसमें स्टेलोप्राम 10 mg या स्टेलोप्राम है 10 mg. ठीक है, तो वी हैव टू चॉइसेस, या तो कंटिन्यूस दे दें या फिर लूटियल फेज दे दें. तो अगर कंटिन्यूस दे रहे हैं, हमने कहा था ना एसएसआरआई से तो लास्ट ऑफ लिबिडो हो रही है, अगर ओसीपीज ऑप्शन में नहीं है और हमने देना ही एसएसआरआई है और पहले से लास्ट ऑफ लिबिडो है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम लूटियल फेज में दे देंगे, चलो साइक्लिकल ना दें सारे, मतलब लंबे अरसे के लिए ना दें, चलो आधी दे देना क्योंकि तो ज्यादा बेहतर है. तो ये खुद ही आपने ब्रेक करना है. सेकेंड लाइन में पैट्रीज हैं एस्ट्रोजन के. अब एस्ट्रोजन खाली देंगे तो हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, तो फिर प्रोजेस्टेरोन भी देनी है. ठीक है, प्रोजेस्टेरोन देनी है तो या प्रोजेस्टेरोन खा नहीं सकती तो रख दें, हमारी ना रख दें, बट दिस इज सेकेंड लाइन. और हमने कहा था लो डोज एसएसआरआई कंटिन्यूस लूटियल फेज में फर्स्ट लाइन है, बट हाई डोज जो है वो सेकंड लाइन है लूटियल फेज में और कंटिन्यूसली भी. तो इसका मतलब है हाई डोज जब आएगी तो इट्स मीन सेकंड लाइन. इफ यू आपके पास दोनों ऑप्शन है लो डोज एंड हाई डोज, और अभी पेशेंट पहली दफा ही लैंड की है और आपने फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट देनी है, तो आपने तो लो डोज से स्टार्ट करवानी है ना, स्टेप बाय चल रहा है. जब तक आपको पिन पॉइंट कहा ना जाए कि हमें थर्ड स्टेप बताओ या ये स्टेप बताओ फलाना स्टेप बताओ, इट्स मीन बाय डिफॉल्ट ये फर्स्ट लाइन ही है. ठीक है, अब ये चीजें भी इम्पोर्टेंट हैं. अगर आपको नहीं बताते ना कि क्या बताना है तो दिस इज फर्स्ट लाइन. ठीक है, अगर किसी पेशेंट ने डिलीवर होना है, नहीं बताते कैसे डिलीवर करना है, तो दिस इज ऑलवेज नॉर्मल डिलीवरी. बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ना, सबका सेक्शन तो नहीं होता. अगर वो आपसे कहे नहीं इसमें फलाने ढमकाने मसले हैं, हमें तो इसकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट बताओ, तो भाई अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट इज नॉट लाइक फर्स्ट लाइन. ये हमेशा फर्स्ट लाइन नहीं होती, या फिर एक स्पेसिफिक होती है, इंडिविजुअलाइज होती है. ठीक है, अच्छा जब वो कहते हैं हमें बेस्ट बता दो, तो बेस्ट बेस्ट टेस्ट या बेस्ट ड्रग वो होती है जिस जो सबसे ज्यादा ड्रग बहुत एफिकेसी अच्छी हो, कम साइड इफेक्ट हो. टेस्ट वो होता है जो सारी चारों ऑप्शंस में अच्छा हो सेंसिटिविटी में. फिर वो जो स्टेप वाइज है लो सेंसिटिविटी वाला वो चूज नहीं करना. तो बी पर्टिकुलर बाय डिफॉल्ट क्या देखना है, अप्रोप्रिएट में क्या देखना है, बेस्ट में क्या देखना है, और यहीं से तुम लोगों के मार्क्स जाते हैं. वरना थ्योरी तो पढ़ते हो, चार साल से तो पढ़ रहे हो, इतना तो तुम लोग एफर्ट करते हो, थोड़े से तुम लोगों ने ना स्मार्ट बनना है.
थर्ड लाइन में तो वो पहले बता चुके हैं कि जेन आर एस देते हैं, और जेन आर एस ने ऑब्वियसली ओवल्यूशन नहीं होने देनी, तो सृजन कहाँ से आएगा? तो फिर एच आर टी पे देना पड़ेगा, ठीक है? तो एड बैक एच आर टी कंटिन्यूस कंबाइंड एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन 50 से 500 मिलीग्राम पैचेस भी दे सकते हैं, मतलब डिफरेंट रूट्स है हार्मोन देखने के, ओरल भी दे सकते हैं, पैच भी दे सकते हैं, ठीक है, और टिबोलोन भी दे सकते हैं। टिबोलोन भी एच आर टी है ना, सेकेंड लाइन एच आर टी है, तो ये भी दे सकते हैं, बट देनी एच आर टी है। और फोर्थ लाइन ये है कि अब क्या करें, जब मेडिकल मैनेजमेंट फेल हो जाती है तो फिर सर्जरी आती है ना, और पीएमएस में रोला तो ओवरी का है, ओवुलेशन हो रही है तो निकाल दो उसको, सर्जिकल ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट पीएमएस की और एंडोमेट्रियोसिस की डीएसओ है, और एडिनोमायोसिस की जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो क्या है, हिस्टेरेक्टमी। और इसी तरह जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है उसकी जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो भी हिस्टेरेक्टमी है। प्रोजेस्टेरोन या मारीना तो फर्स्ट लाइन है ना, और इसी तरह प्रोलैप्स की ट्रीटमेंट भी डेफिनेटिव हिस्टेरेक्टमी ही है, ना भैंस होगी ना बीन बजेगी, जो भी बोलो इसको। हाँ, फर्स्ट लाइन में फिर वो है कि भाई उसको हम क्यों बेचारी की वीएच करें ना। चलो, तो मैंने ये सारी बातें पढ़ के मुझे लगा कि अगर ओसीपीज और एसएसआरआई में आपको कंपैरिजन ही करना है तो पीएमएस में ज्यादा प्रॉब्लम मूड प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसमें एसएसआरआई बेस्ट है, और सवेयर सिम्टम्स में भी एसएसआरआई बेस्ट है, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है, और मूड स्विंग्स में भी एसएसआरआई बेस्ट है, बट फर्स्ट लाइन इनिशियल स्टेप तो सीबीटी था ना, अभी पढ़ा है, ठीक है। एक पेशेंट को कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए साथ में, मूड प्रॉब्लम भी है, तब तो एसएसआरआई कॉन्ट्रासेप्टिव तो नहीं है ना। एक पेशेंट है, स्कूल टीचर है, उसको बड़े साइक्लिकल मूड प्रॉब्लम्स हैं, एंड शी इज पैरा टू एंड शी वांट कॉन्ट्रासेप्शन, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है, एसएसआरआई या ओसीपी? अब तो मूड स्विंग्स भी आ गए, अब क्या करें? अब ओसीपी देना पड़ेगा क्योंकि ओसीपी ने तो ओवुलेशन नहीं होने देनी, जब ओवुलेशन नहीं होगी तो सम हो मूड स्विंग्स भी एड्रेस होंगे, होंगे ना, कॉन्ट्रासेप्शन भी हो गई, तो ओसीपी का नॉन गायनेकोलॉजिकल नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट है, दे दिया, या तो फिर भी कॉन्ट्रासेप्शन मांग रही है, दोनों डुअल हो गए। देखें, जब आप ने ना, जब आप क्लिनिकल एग्जाम में बैठते हो तो आप आपके पास एक पेशेंट आता है ना, लाइक पैरा थ्री है उसको, एचएमबी है और पेन है उसको, ठीक है, और आपके जहन में क्या आता है, वो कहते हैं डायग्नोसिस बता दो। डायग्नोसिस में आपके पास फाइब्रॉइड है और इसमें एडिनो भी है, अब क्या करें, क्या करें फिर, फाइब्रॉइड निकालें एडिनो निकालें? फंस जाते हो। देखें, जो अच्छा एक सुटेबल की जो होती है वो ऐसी होती है जो 100% कवर करे हर अंदाज से, 100% नहीं करती तो एटलीस्ट 90% करे, उतना नहीं करती तो अमंग ऑप्शंस में एटलीस्ट 60% करे, या आप इसी तरह चलते हो चलो 10% करे, तो लो ये वाली ऑप्शन 10% तो कवर करती है ना, बाकी तो इतना भी नहीं करती। तो देखें, एचएमबी और पेन को 100% कवर एडिनोमायोसिस करता है, फाइब्रॉइड तो कॉम्प्लिकेशन के साथ पेन कराता है वरना तो नहीं कराता, तो यू विल चूज एडिनो बिकॉज पैरा थ्री भी तो है। सेम गोज हेयर, मूड प्रॉब्लम्स भी हैं इसको, कॉन्ट्रासेप्शन भी है, आपने 100% इन दोनों चीजों को एड्रेस करना है ना, वो ओसीपी कर सकता है, ऐसा ट्राई नहीं कर सकता। आपको समझ आई ये बात? ये क्लियर हो गया आपको? नहीं हुआ क्लियर? इसमें कौन सी मैंने अंग्रेजी बोली है, फ्रेंच बोली, अंग्रेजी तो तुम्हें आती है। चलें, ब्रेस्ट सिम्टम्स चाहिए और कॉन्ट्रासेप्शन भी चाहिए। देखें, कॉन्ट्रासेप्शन डेनाजोल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं है, बल्कि डेनाजोल के साथ कॉन्ट्रासेप्शन देनी पड़ती है, तो फिर याद आ गया, ये करती है क्योंकि एंटी मिनरोकॉर्टिकॉइड्स है, तो ब्रेस्ट सिम्टम्स भी समहाउ रिलीव होते हैं, ठीक है, तो फिर आपने याद देनी है। लेकिन एक पेशेंट ब्रेस्ट सिम्टम्स के साथ आई है तो डेनाजोल देनी है और डेनाजोल के साथ कॉन्ट्रासेप्शन देनी है, क्योंकि अगर कंसीव कर लेगी तो फीमेल को तो एम्बिगस इंटेली हो जाएगा क्योंकि एंड्रोजन है ये,
अच्छा, एक पेशेंट ने जो है सब कुछ ट्राई कर लिया, हार्मोन राय, फिर क्या दें, फिर जेनेरिक्स दें बिकॉज थर्ड लाइन है, वो भी कर दिया तो फिर क्या करें, फिर बीएसओ कर दें, ठीक है। रिड्यूस लिबो में ओसीपी प्रेफर्ड ओवर एसएसआरआई, ये याद रखिएगा। तो ये हमारी टू द पॉइंट इस पूरी गाइडलाइन की समरी है। बाकी ये गाइडलाइन को 4-5 पेजेस की है, वो खुद से पढ़ोगे तो इट विल टेक यूर 24 आवर, बट इस तरह से पढ़ोगे द वे वी आर डूइंग तो पेपर भी कवर हो गया और गाइडलाइन भी कवर हो गई। JTG आ गई 2016 फैब में आई थी, गाइडलाइन नंबर 45। तो बेसिकली बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, अगर हमने किसी साइकिल को इंड्यूस करना है, स्टिमुलेट करते हैं उसको, बड़ा हो जाता है फोलिकल, डोमिनेंट फोलिकल बन जाता है स्टिमुलेशन से ना, FSH देके, और फिर उसके बाद उसको बीटा एसिड का ट्रिगर लगाते हैं ताकि फट जाए, अंडा निकल आए बाहर, है ना, और फिर वो फर्टिलाइजेशन हो जाए। यही कॉन्सेप्ट है ना इंड्यूस साइकिल का, क्या लगता है? तुम लोगों को मैंने म्यूट नहीं किया होगा, यू कैन इंटरेक्ट। ने इसमें लिखा था कि अगर किसी को पीएमएस सिम्टम हो और लिक्विड लिबिडो तो उसमें डबल ऑन बड़े बुरे हालात है तुम्हारे नेटवर्क के। ये एक क्वेश्चन है जिसमें बड़ी बहस होती है, आई नो दिस क्वेश्चन, उसको मैं भी निकाल दूं, लो मैं भी निकाल देती हूँ, जस्ट एक मिनट। यस, एक तो है सेवेयर डिस्मेनोरिया, अनमैरिड, अनेबल टू अटेंड स्कूल, ओसीपी देना है, पीसीएम देना है या एंटी फिब्रिनोलिटिक्स देना है, तो ऑब्वियसली पीसीएम तो नहीं देंगे और ओसीपी देंगे। अच्छा, फिर एक और आ गया, A woman 55-year-old with history of mastectomy with depression and hot flushes. अच्छा, ये तो खैर HRT का है, छोड़ो इसमें ऐसा रही कहाँ से आ गया, वो वाला क्वेश्चन नहीं मिल रहा जो मैं सोच रही हूँ मिलना चाहिए, अभी निकल आएगा। मैम यूजुअल फेस लो डोज एसएसआरआई देंगे? नो मैम, इसमें साइक्लिकल न्यू जनरेशन देंगे क्योंकि उसको रिड्यूस लिबिडो भी है ना साथ, और साइक्लिकल है साथ। हाँ, तो यूजुअल फेस ही हो गया ना साइक्लिकल। आप अपनी की बनाए यार, एक मिनट, अब तो मेरा दिमाग घूम गया है। चलो, मूड स्विंग्स भी है भाई, डिप्रेशन भी है, लिबिडो भी खराब हो रही है। अब लिबिडो खराब हो रही है तो क्या करें, आप ऐसा साइड ही दे सकते, एक तो बजवर्ड आ गया इसका, और अब मूड स्विंग्स भी है। अगर मेरी बात सुनो, रिड्यूस लिबिडो के लिए पहली च्वाइस क्या थी, ओसीपी थे, और मूड स्विंग्स के लिए पहली च्वाइस क्या थी, एसएसआरआई थे। इसमें दोनों मसले हैं। अच्छा, अब हमारे पास लोडोस एसएसआरआई है, कंटिन्यू कंबाइंड न्यू जनरेशन पिल्स है, साइक्लिकल कंबाइंड न्यू जनरेशन पिल है, पैच है, लूटियल फेज एसएसआरआई है। हाँ, तो आ गया ना ये, मैं तो ये चूज करूंगी। वो कहते हैं ना, जब एक अच्छी ऑप्शन नहीं है तो हम कंप्रोमाइज करते हैं। ऑब्वियसली जो कंटिन्यूस एसएसआरआई है उसके मुताबिक लुटियल फेज एसएसआरआई कम गन मचाएगा ना, कम डिप्रेशन रिड्यूस लिबिडो करेगा, साथ में मूड स्विंग्स भी एड्रेस हो गए, ठीक है।
I will choose that. वैसे मैंने पहले क्या बताया था, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा. But I have said earlier. ये बताया था. चलो ठीक है, इसका मतलब मैं consistent हूँ. Okay. बात करो तो मुझे भूल जाते हैं मैंने क्या बताया. क्योंकि ना आप है तो recalls ही, आप डिफरेंट अंदाज से उसको सोचते हो कि भाई ऐसा कर लें तो ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कोई चीज इसमें डेफिशिएंट है तो हमने उस गैप को फिल करके अज्यूम करना है, दो चार चीज बनानी है. देखो बेस्ट क्या है, बेस्ट वो है ना जो 80-90% सब चीजों को एड्रेस करे. तो वो ये लुटिल फेज ऐसा ट्राई कर रहा है लोगों से. चलो ऐसा ही करना है, ये इसी तरह के जानलेवा क्वेश्चन आते हैं, बैठे रहते हो, घूमते रहते हो. अच्छा डॉक्टर, इसमें मुझे एक क्वेश्चन है. हाँ हाँ, अगर हम ये पीएमएस के अंदर गाइडलाइन पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन हम साइक्लिकल भी दे सकते हैं, कंटीन्यूअस भी दे सकते हैं, तो हम कंटीन्यूअस को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, हम साइक्लिकल को क्यों नहीं प्रेफर कर रहे हैं? साइक्लिकल ही बोला मैंने, साइक्लिकल बोला है क्योंकि रिड्यूस लिबिडो है ना. नहीं इसमें तो हम साइक्लिकल कह रहे हैं, वैसे ओवरऑल जनरल जब आपने पूछा था कि फर्स्ट लाइन क्या है, तो आपने कहा था कि कंटीन्यूअस को हम प्रेफर करेंगे, तो हम साइक्लिकल पर वो हम ओसी पीस के लिए, वो हम ओसी पीस के लिए कह रहे थे, ऐसा तरह के लिए नहीं कह रहे थे. ऐसा तरह के लिए है साइक्लिकल या ल्यूटियल फेज, ओसी पीस के लिए है साइक्लिकल या फिर अगर फर्स्ट, अब तुमने दोनों, अगर हम ओसी पीस में फर्स्ट चॉइस जाएंगे तो हम साइक्लिकल पे नहीं जाएंगे. इन्होंने बोला है बेस्ट, ठीक है चलो, अब सिम्टम्स भी सेवियर हैं, तो ये आउट हो गया. ठीक है, मूड स्विंग्स में इनिशियल था सीबीटी, और हमें तो बेस्ट चाहिए ना. अच्छा कंबाइंड में जनरेशन पिल हम दे सकते हैं, ठीक है, साइक्लिकल या कंटिन्यूस. कंटिन्यूस इसमें सबसे अच्छा है, अगर आप सबसे अच्छा पूछते हैं तो कंटिन्यूस. और सेम गोज फॉर एंडोमेट्रियोसिस के कंटीन्यूअस. अगर डॉक्टर है वो हमसे पूछते हैं कि इनिशियल ट्रीटमेंट हमने देनी है, अगर ओसीपी हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें साइक्लिकल पहले सेलेक्ट करेंगे ना. मैं ये नो नहीं करना, ना करो. ये इन्होंने यहाँ तो लिख दिया साइक्लिकल, जब इन्होंने एक्सप्लेन किया है इसको तो उन्होंने कहा है कि साइक्लिकल से बेहतर है कंटीन्यूअस. ये टेबल तो टेबल ही होती है ना, वो एक आती है ना ओसिस की टेबल जिसमें लिखा होता है प्राइमरी ग्रेविटा का ज्यादा इंसिडेंस है ना, जो रट्टा मारते हो कि फोर्सेप तो नहीं है टेबल में लिखा हुआ है. अभी टेबल के नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि फोर्सेप है. ओ भाई एक्सप्लेनेशन पढ़नी होती है, टेबल में हर चीज भी होती है. अच्छा ठीक है, तो फिर आप आ जाए कंटिन्यूस ल्यूटियल फेज. अब ये कड़वी गोली है, अभी कड़वी गोली इसलिए है कि पेशेंट को मूड स्विंग्स में ही और लॉस ऑफ लिबिडो भी है. इसका मतलब है कि एसएसआरआई तो चूज करना है, बट एसएसआरआई तो लिबिडो भी कम करेगा, तो इन दोनों में से वो एसएसआरआई चूज करनी है जो कम करे. ऑब्वियसली कंटिन्यूस तो ज्यादा करेगी ना, तो बेहतर नहीं है ल्यूटियल दे दो. जी जी, तो मैंने तो आउट वे करके एक्सक्लूड करके ये निकालती हूं. थैंक यू. ओके चलें, तो ये है असल गेम ना, ओसीपी वर्सेस एसएसआरआई. एसएसआरआई अच्छी है अगर आपने बेस्ट ही देना है, तो उन्होंने बेस्ट पूछा था तो हमने कहा भाई एसएसआरआई तो दे देते हैं, क्योंकि उसको तो अब नो मूड प्रॉब्लम भी है, उसके लिहाज से भी बेस्ट है. तो फिर कौन सी बेस्ट हो गई? ल्यूटियल फेज कम होंगे फिर लॉस ऑफ लिबिडो. यहाँ लिखा नहीं हुआ रिड्यूस लिबिडो में प्रेफर करें ओसीपीज को ओवर एसएसआरआई. और ओसीपीज इसलिए आउट कर रहे हैं कि मूड स्विंग्स प्रीडोमिनेंट है, तो फिर अमंग एसएसआरआई कौन सी एसएसआरआई दे रही है? ल्यूटियल फेज वर्सेस साइक्लिकल. और इस तरह के जब आप क्वेश्चन ड्रिल करोगे तब आपको पीएमएस आएगा. पीएमएस ऐसे पढ़ के भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होगा. तो दिस इज द स्मार्ट वे कि देयर एंड देन पीएमएस को एग्जाम ओरिएंटेड वे में करें, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं मुश्किल वाले वो कर लें. अच्छी होगी थ्योरी भी रिवीजन और पेपर भी हो गए. ओवेरियन हाइपरसेंसिटिविटी सिंड्रोम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक तो आता है इसमें कि वो पेशेंट क्रिटिकल या सवेयर ओ एच एस एस के साथ आती है और सांस नहीं आ रही होती उसको, और वो कहते हैं इसके लिए बेस्ट बता दो. अब सांस नहीं आ रही, ठीक है, तो क्या देना चाहिए? पैरासिंथेसिस करनी चाहिए या हाइड्रोथोरिक से ड्रेन करना चाहिए? और उसमें लिखा होता है टेंस एसआईटीज,
हाँ अभी आता है बस बड़ी यो देते हैं कि 10 सोसाइटीज है, सांस ही नहीं आ रही, एसओबी है, सैचुरेशन खराब, और ऑब्वियसली 10 सोसाइटीज जिसमें पेशेंट एआरडीएस में जा रहा है, दिस इज वो, ये तो क्रिटिकल है ना, ये क्रिटिकल ओएचएस है, ये सवेर भी नहीं है। हाँ देखो अब इसमें हाइड्रोथोरक्स क्यों ड्रेन करें जब वो बता रहे हैं 10 सोसाइटीज है, बिकॉज दिस इज 10 सोसाइटीज जो पुश कर रही है डायफ्राम को ऊपर, स्पेस ही भी बेचारी को लंग को एक्सपेंड करने की, और इसी वजह से उसके एन यूरिया हो रहा है, तो हमने पैरासिंथेसिस करनी है पहले, पैरासिंथेसिस ऑप्शन में नहीं है तो फिर हाइड्रोथोरेक्स ड्रेन करें। अच्छा फिर यही वाली पेशेंट आई है और उससे कहा है कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट बताएं, अब आदि कोम ने देखा कि भाई हाइड्रोथोरेक्स है, 10 सोसाइटीज है तो ड्रेन कर दो, और उन्होंने सर्जिकल पढ़ा लेकिन साथ में नॉन सर्जिकल नहीं पढ़ा। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया तो काफी बच्चों ने खराब कर दिया था, तो क्वेश्चन आंखें पढ़ के दो दफा पढ़ना है, ठीक है, दो दफा पढ़ना है, छोटी बातें होती हैं, लीस्ट मोस्ट इफेक्टिव नॉन, तो फिर पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। तो इसमें जो नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट है क्रिटिकल ओएचएस में क्या है, सिम्टोमेटिक है ना, सिम्टोमेटिक केयर है, यही होगी ना। लेकिन यही वाली मरीज जो आ जाए डीबीटी के साथ, वो कह दें डीबीटी है, वैसे ओएचएसएस में डीबीटी नहीं होती, सीबीटी होता है, अपर बॉडी के थ्रोम्बोसिस होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। प्रेगनेंसी में ज्यादातर थ्रोम्बोसिस लोअर बॉडी लिम्स के होते हैं, जैसे लेग के डीबीटीज होते हैं, बट सवाए ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम के, इसमें अपर बॉडी डीबीटी होती है, इसमें अपर बॉडी सीबीटी होता है, मतलब बीटी होता है लाइक सीबीटी, गॉट माय पॉइंट। तो ये पेशेंट आ गई अब नॉर्मल न्यूरोसिस के साथ, इसमें आप सिम्टोमेटिक केयर करोगे या लो मॉलिक्यूलर हेपरिन दोगे, व्हाट यू डू, लो मॉलिक्यूलर हेपरिन, क्योंकि देखिए सिम्टोमेटिक केयर एक जर्नल की है, जब वो बता रहे हैं जर्नल सिम्टम्स तो जर्नल की आ गई, जब वो एक स्पेसिफिक सिम्टम बता रहे हैं तो आपने अमंग जर्नल स्पेसिफिक चूज करना है, ठीक है। जैसे वो मैं एक मशहूर जमाना क्वेश्चन है जिसमें वो एम्बिगुअस जेनिटेलिया के साथ बच्चा आ गया जिसका बीपी बेचारे का लो है, पैदा भी हो गया, तो है तो ये कोई सी एच, दूसरी ऑप्शन है ना ये 21 सी एच है, तो ये कौन सा सी एच है, सी एच में CH में तो दो सी एच है, एक हाइपरटेंशन के साथ सेम पिक्चर है, एक हाइपोटेंशन के साथ सेम पिक्चर है, जब वो कह रहे हैं हाइपोटेंशन तो फिर हमने स्पेसिफिक ही चूज करना है ना, दिस इज अवर की। अब लोग कहते नहीं सी एच तो है ही, हमने सी एच किया है, वो क्यों लिखा, वो इन्होंने आपको इसीलिए तो लिखा है कि आपने दी बेस्ट की चूज करनी थी, आंखें खोल के एक स्पेसिफिक सिचुएशन पिक करके उसको बजवर्ड कंसिडर करके उसकी की मार्क करनी थी। बाकी जो ओवेरियन हाइपरस्पेशन सिंड्रोम में क्वेश्चन आता है कि पेशेंट तो बस क्रिटिकल है ओएचएसएस में है, अब उसका बीटा एसजी का ट्रिगर जो है ना वो ड्यू है, देना है कि नहीं देना, या उसका एफएसएच विद होल्ड करना है, आता है ना ये, फिर आप दोनों में बैठ जाते हो, क्या करें मैं भी बैठ जाती हूँ, मुझे भी समझ नहीं आता ये आ जाएगा, मुझे खुद बताना बाद में। बहरहाल जो प्रोसेस है ना वो ओवेरियन सिमुलेशन का ये है कि पहले तो हमने अंडे को तैयार करना है, बड़ा करना है, पालना है उसको एफएसएच लगा लगा के, तो स्टिमुलेशन प्रोसेस है एफएसएच इंजेक्शन का। अगर आपके क्वेश्चन में पेशेंट स्टिमुलेशन प्रोसेस में गुजर रही है लाइक डे 1, 2, 3 पे है तो आपने एफएसएच को विदहोल्ड करना है ना, बट आपके पेशेंट नियर ओवल्यूशन है और इस तरह आई है ओएचएसएस के साथ और इसका टाइम अब ट्रिगर देने का बीटा एसजी का, तो आपने बीटा एसजी ट्रिगर को विदहोल्ड करना है। बट अगर आपको पता ही नहीं किस डे पे आई है और आपको कहा जाए कि स्पेसिफिक चीज है जो नहीं देनी, तो वो तो फिर बीटा एसजी है ना। हेलो, जिन्होंने एग्जाम दिया वो तो समझ सकते होंगे ना ये बात, ये आता है ना क्वेश्चन। तो ये इट कुड समवेयर यू विल सी वी आर पिकिंग एफएसएच, बट समवेयर यू विल सी वी आर पिकिंग बीटा एसजी, फिर आप कहते हो मैडम तो बस मैडम का तो दीन ईमान ही नहीं है। अच्छा ठीक है, बीटा एसजी का जो है ना अगर अर्ली आती है तो विद इन 3 to 9 days आ जाती है आफ्टर बीटा एसजी ट्रिगर, क्योंकि क्लासिकल बीटा ओएचएसएस ना आता ही बीटा एसजी के बाद है। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो है ही यही कि एक अंडे को जिसको हमने स्टिमुलेट किया है एफएसएच के साथ नेचुरली या एंडोजेनस या एक्सोजेनसली,
और आपने फिर उसको जो है LH का सर्ज हुआ है और फॉलोड बाय बेटासिजी, तो फिर जो एंडोथेलियल फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज हुए हैं, मल्टीपल ओवम रिलीज हुए हैं और उन्होंने तबाही मचा दी। यही है ना इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो अगर ये सिम्टम्स अर्ली आते हैं विद इन 3 to 9 days या बिफोर 10 days यूजली से कहते हैं, तो ये अर्ली OHS है। और अगर ये लेट आते हैं आफ्टर 10 days, तो 10 to 12 या 10 to 17, तो ये लेट OHS है। तो इसमें से कौन सा OHS गंदा है, अर्ली या लेट, किसको कौन सा ऐसा है जो टेढ़ी खीर है जो नहीं संभलता हमसे, अर्ली या लेट? लेट होगा ना। हाँ लेट गंदा है, आता भी लेट है और तबाही भी मचाता है, क्योंकि इसमें तो प्रेगनेंसी हो जाती है। अभी तो हमने एक बेटासिजी दिया था, उसे तबाही आ गई। प्रेगनेंसी में तो बेटासिजी कंटिन्यूअस रिलीज हो रहा है प्लेसेंटा से, इसने ज्यादा तंग करना है। अच्छा, एक OHSS जिस अर्ली OHSS है, अगर पेशेंट को सवेयर हुआ OHSS डायग्नोज, तो आपने ऑब्वियसली उसको एंटीकोएगुलेशन देनी है, बट कब तक देनी है? और सेम पेशेंट प्रेग्नेंट होगी तो फिर कब तक देनी है? अनदर क्वेश्चन जो MS का क्वेश्चन है अभी आया। हाँ बिल्कुल एक्सेलेंट। देखिए OHSS में है तो स्कोर बीटी का 4, लेकिन देनी सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में होती है, मतलब 12 हफ्ते है ना, बट जब वो प्रेग्नेंट ही नहीं होगी तब कब देनी है? 6 हफ्ते, ठीक है, बिकॉज शी इज नॉट प्रेग्नेंट, प्रोफाइलेक्टिकली दे रहे हैं ना, 6 हफ्ते देनी है, ठीक है। नहीं समझ में आया लास्ट वाला क्या कह रही है, 6 वीक्स अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई है तो अब हम उसको कंटिन्यू रखेंगे 6 वीक्स तक? नहीं, अगर प्रेग्नेंट हो गई है तो सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देना है ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सही प्रोफाइलेक्टिक, बट अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई और सेवियर है ये तो सेवियर में भी देना है हेपरिन, बट कब तक देना है? 6 हफ्ते तक, 6 वीक्स, अच्छा ठीक है। अच्छा, बाकी जो मेजोरिटी है ये सेल्फ लिमिटिंग होती है ना, 1/3 जो साइकल्स होते हैं इंड्यूस्ड उसमें हो जाता है माइल्ड मिनिमल OHS, लेकिन सवेयर मॉडरेट टू सवेयर 3.1 to 8% तक होता है, और फिर एक अर्ली भी होता है, एक लेट भी होता है। मेजोरिटी को सेल्फ लिमिटिंग है, कुछ नहीं करना पड़ता, सिम्टोमेटिक केयर होती है। मसले मसाइल हमारे शुरू होते हैं सवेयर और क्रिटिकल में, क्योंकि इसमें हमें एंटीकोएगुलेट भी करना है, स्पोर्ट्स भी देनी है, फ्लूड्स भी देना है, ठीक है, ऑक्सीजन भी देनी है, पेन मैनेजमेंट भी करनी है, और इनमें सवेयर नाजिया होता है, एंटीमैटिक्स भी ऐड करनी है, बट जो मिनिमल और माइल्ड होते हैं वो कोई तंग नहीं करते। इसमें ये बताते हैं कि एक पेशेंट आई है जिसका SITs ऑन अल्ट्रासाउंड है, कौन सी ग्रेड स्टेज है, फिर वो बताते हैं एक पेशेंट है जिसका SITs क्लिनिकल है, ये कौन सी स्टेज है। जब भी अल्ट्रासाउंड पे आए ना वो है Stage 2, और जब भी जो है क्लिनिकल आए दिस इज या तो ये सवेयर है या Stage 3 है या 4 है, मतलब क्रिटिकल है, ठीक है, बताती हूँ आगे। तो यूजली पोस्ट वुमेन में ये 7 to 10 दिन में रिजॉल्व हो जाता है, यूजली आफ्टर ओवुलेशन ही आता है, बिफोर ओवुलेशन बहुत कम आता है, जिसमें हमें FSH विद होल्ड करना पड़ता है अगर हम देरी होते हैं। इफ कंसेप्शन अकर्स एंडोजेनस SHE कैन लीड टू वर्सनिंग ऑफ OHS, वेयर एज इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी रिकवरी आराम से हो जाती है, इसका मतलब है लेट गंदा होता है ना। प्रेगनेंसी इज कॉम्प्लिकेटेड बाय OHS मे बी एट इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीक्लैम्प्सिया एंड प्रीटर्म डिलीवरी। ओके, अभी एक पेशेंट हम डिस्कस कर रहे थे, वो जो ग्रेविस डिजीज की थी और PTU खा रही थी, और उसमें हर चीज ही खराब थी, सिर्फ एक क्वेश्चन के जिसमें यह था कि भाई अब क्या करें, वो यही था कि प्रीक्लैम्प्सिया हो जाता है ना, अभी हम कर रहे थे ना मेमुना, वो एक्सक्लूजन बेस निकाला था हमने, ऐसा जो है देखने में आया थायराइड में भी प्रीक्लैम्प्सिया का रिस्क होता है, हाँ, और एस्थमा में भी होता है पोटेंशियल फॉलोड बाय प्रीक्लैम्प्सिया का। अच्छा, इसमें SBS हैं, SBS हैं कि कौन सा फ्लूड देना चाहिए, क्रिस्टलाइड्स बेहतर है, बट कोलाइड कब देना है, जब आपने पैरासेंटेसिस की है उसमें भी आपने कोलाइड्स देने होते हैं, जो नहीं देना डायुरेटिक्स नहीं देना और एनसेड्स नहीं देने, ये दो चीजें नहीं देनी, और पैरासेंटेसिस भी नहीं करना अंटिल अनलेस पेशेंट को जो है ऑब्स्ट्रक्टेड यूरोपैथी हो जाए या SOB हो जाए या वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ड्यू टू प्लूरोलोफियन। और मोस्ट कॉमन साइट जो है SITs की वो क्या है, वो एब्डोमेन है ना कि प्लूरल,
लेकिन सेकंड मोस्ट कॉमन प्लूरल कैविटीज हैं, और थर्ड मोस्ट कॉमन क्या है, पेरिकार्डियल है, ठीक है। और हिस्ट्री में आपने क्या देखना है इसका, सिम्टम्स कब आए ताकि लेट और अर्ली दे सकें, मेडिकेशन कौन सी दी है ट्रिगर करने के लिए, यूजुअली बेटासिजी देते हैं और वही विदहोल्ड करना होता है। जितने ज्यादा फोलिकल्स बनेंगे, मल्टीपल प्रेगनेंसीज होंगी, उतना ज्यादा सवेयर हो सकता है ओएचएसएस। और जो ओएचएसएस होता है वो फ्रीज साइकिल में कम होता है एज कम्पेयर टू फ्रेशली प्रिपेयर्ड साइकिल, जिसमें हम फ्रेश उसी साइकिल से अंडा निकाल के उसमें डालते हैं। ऑब्वियसली नेचुरल है क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियल एक्टिव होता है। फिर इसके जो है सिम्टम्स हैं, ब्लॉटिंग है, पेन है, एनर्जीज वो ज़्यादा जरूरत पड़ती है पेन मैनेजमेंट की, नाजिया, वोमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, इनएबिलिटी टू लाई फ्लैट क्योंकि प्रोलिफियन भी होती है, रिड्यूस यूरिन आउटपुट, लेग स्वेलिंग, अब्सट्रक्टिव यूरोपैथी। ओ एच एस एस के अलावा एक और कंडीशन में भी होती है, हु विल टेल मी, ये सर्विक्स में दो कंडीशंस में होती है, लेग स्वेलिंग, वल्बल स्वेलिंग, एसोसिएटेड कोमॉर्बिडिटीज सच एज थ्रोम्बोसिस। चलो इसके बाद एग्जामिनेशन करना है जिसमें डिहाइड्रेशन का स्टेटस देखना है, एडिमा देखना है, वाइटल्स देखने हैं, रेस्पिरेटरी रेट देखना है, और डेरीज एक्सक्लूड करनी है, निमोनिया वगैरह। ये टॉक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर स्टेशन है, बट हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, फोर ब्लड काउंट, हेमेटोक्रिट, अब हेमेटोक्रिट 55% से ज्यादा है ये क्रिटिकल में जा रही है, टीएलसी ज्यादा है क्रिटिकल में जा रही है, ठीक है, एंड यूरिया हो गया, यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंसेज हैं क्रिटिकल में जा रही है। यूजली इसमें क्या होता है, ये पूछते हैं पिक्चर में कि इसमें पोटेशियम जो है वो ज्यादा होता है, सोडियम कम होता है, वो बहुत सारी ऑप्शंस बना देते हैं, पोटेशियम कम, सोडियम ज्यादा, और साथ में कुछ ना कुछ, बट आपने ये देखना है। इसमें हाइपोऑस्मोलिटी हो जाती है बिकॉज हाइपोनेट्रीमिया होता है ना, लिवर फंक्शन टेस्ट में एलिवेटेड एंजाइम्स हो जाते हैं, एल्ब्यूमिन रिड्यूस हो जाती है, कोएग्यूलेशन प्रोफाइल खराब हो जाती है एक्टिविटी की वजह से, एचसीजी टू डिटरमिन आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी इफ एप्रोप्रिएट, अल्ट्रासाउंड स्कैन वो कराना है, ओवेरियन साइज, पेल्विक एंड एब्डोमिनल फ्री फ्लूइड, और कंसिडर ओवेरियन डॉपलर इफ टॉर्जन सस्पेक्टेड। अपार्ट फ्रॉम दिस सर्जरी हमने बोला कि जो ओएचएस है वो यू नो कंजर्वेटिव केयर है, सिम्टोमेटिक केयर है, उस मतलब प्रॉप अप कर दी, ऑक्सीजन लगा दी, पेन मैनेजमेंट कर दी, पानी पिला दिया, नहीं लगाया तो लगा दिया। सर्जरी करनी पड़ती है दो कंडीशन में यूजली, एक है टॉर्जन और दूसरा है जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी या सवेयर एसओ भी हो जाए, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ती। और अदर टेस्ट जो इंडिकेटेड हो सकते हैं, जो कि रूटीन में नहीं है, एडिशनल हैं, वो फिर ECGs हैं, इकोज हैं, चेस्ट एक्सरेज हैं, BQs हैं, CTPA हैं, ABGs हैं, ठीक है। इसके बाद आप चलते हैं इसके स्टेजिंग पे, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसमें से ही आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख लें कि जो ओवेरियन साइज है मे नॉट कोरिलेट विद सेवेरिटी ऑफ ओएचएस इन केस ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोलिकुलर एस्पिरेशन, वुमेन डेमोंस्ट्रेटिंग एनी फीचर ऑफ सेवेयर और क्रिटिकल ओएचएस शुड बी क्लासिफाइड इन दैट कैटेगरी। तो ना अगर आपके वैसे क्वेश्चन कभी आया तो नहीं, लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको कहेंगे पेशेंट जो है वो 10 सिसाइटिस के साथ है, लेकिन ओवेरियन साइज इसका 8 है, और इसकी हमने अभी ओवा पिक किया है बिकॉज ART चल रहा था, तो फिर आप ये मत कहना कि मॉडरेट है क्योंकि 8 साइज है, वो तो उन्होंने एस्पिरेट कर लिया, साइज छोटा हो गया, ठीक है, तो इसलिए बायसनेस है। अगर ओवम पिकअप हुआ है तो फिर ओवरी के साइज की बेस पे स्टेजिंग नहीं करनी, सिम्टम्स की बेस पे करनी है। और दूसरी बात ये जो ओएचएस है ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, हम नमाज कम करें, दिस इज नॉट लाइक दैट कि आपने लैब बेस्ड डायग्नोसिस बनाना है, इसका जो मेजर क्राइटेरिया है ना वो क्लिनिकल है।
अगर पेशेंट क्लिनिकली सवेयर या क्रिटिकल है तो दिस इज सवेयर एंड क्रिटिकल ओएचएसएस, अगर अपोजिट भी है ओवरी और बाकी चीजें, ठीक है। ओएचएसएस जस्ट लाइक एनीमिया, इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल है, जस्ट लाइक प्रोलैप्स, इसका डायग्नोसिस क्लिनिकल है, ठीक है। तो आपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स को वेटेज देनी है और अपनी मैनेजमेंट डिसाइड करनी है, उसी के मुताबिक की पिक करनी है। माइल्ड में सिर्फ कुछ नहीं होता है, वैसे ब्लॉटिंग माइल्ड होता है, 30% लोगों को माइल्ड हो सकता है इंड्यूस साइकल्स में, ठीक है। मॉडरेट में पेन होता है, नॉजिया भी होता है जो कि ऊपर नहीं था, बट ओवरी अल्ट्रासाउंड पे साइटिस आ जाती है, साइज होवर 12 से ज्यादा नहीं होता, और किडनी ठीक होता है, कोई ओलिग्यूरिया न्यूरिया नहीं होता, बट सवेयर में क्लिनिकल साइटिस आ जाती है, ठीक है। और ओवरी का साइज अगर देखें तो ये 12 से ज्यादा हो जाता है, और 300 ml जो है पर डे या 30 ml पर आवर ओलिग्यूरिया भी हो जाता है, बट एन्यूरिया नहीं हुआ। हेमेटोक्रिट में जो है वट एवर इट इज, बट इट शुड बी लेस देन 55%, ठीक है, दिस इज सवेयर। बाकी चीजें भूल जाओ, ये जरूरी नहीं है। आपने जो याद रखना है स्टेजिंग में, वो याद रखना है कि अगर सिम्टम्स में हमने देखना है तो एसआईटीज क्या है, अगर ये अल्ट्रासाउंड बेस्ड एसआईटीज है तो दिस इज मॉडरेट, अगर ये क्लिनिकल एसआईटीज है तो दिस इज सवेयर। अगर पेशेंट में कोई भी फीचर है वीटी का, एआरडीएस का और एन्यूरिया का, या हेमेटोक्रिट 55% से ज्यादा, टीएलसी 25% से ज्यादा, दिस इज क्रिटिकल। कोई एक भी फीचर क्रिटिकल का होगा और बाकी सारे फीचर सवेयर के या मॉडरेट के होंगे, इनमें से कोई एक भी फीचर क्रिटिकल का है तो आपने इसकी जो स्टेजिंग है वो लो करनी है, मतलब नीचे जाना है, क्रिटिकल पे जाना है। स्टेजिंग का रूल ही यही है, चाहे ये ऑनकोलॉजी की स्टेजिंग हो, मतलब आपको लगता है कि स्टेज 1B से थोड़ा सा ज्यादा है तो भाई ये स्टेज 2 है फिर, ठीक है। चलें, तो दैट वाज अबाउट ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम। और कोई क्वेश्चन है तो उनसे पूछ लें। नो कंट्रोवर्सीज है नाइस की और WHO की, डायबिटीज में आपको नजर आएंगी, ISO जो भी गाइडलाइन डिफरेंट है, नाइस की डिफरेंट है, एनीमिया में डिफरेंट है इनकी रेंजेस, और सेम गोज फॉर मोर्टेलिटी, यहाँ PPH है उधर VT है, कैंसर्स वहाँ एंडोमेट्रियल कैंसर है यहाँ सर्वाइकल है, लेकिन इसमें मसला नहीं होता क्योंकि ऑप्शन इतनी मतलब हेल्पिंग होती है कि हम पिक कर लेते हैं एक्सक्लूड करके, ये मसले नहीं होंगे आपको, टेक माय वर्ड्स। अच्छा डॉक्टर हीरा, फिर इसमें हम ओवुलेशन इंडक्शन इसलिए करेंगे कि ये अर्ली कंसीव कर ले, वरना तो मतलब ओवुलेशन इंडक्शन की जो इंडिकेशन है वो तो एन ओवुलेशन ही है ना। देखो एंडोमेट्रियोसिस में फोलिकुलोजेनेसिस भी एबनॉर्मल होता है ना, दैट्स व्हाई सपोर्टिव ट्रीटमेंट है इंडक्शन, बट प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टेज 1 और 2 में एडिजियोलाइसिस है लैप्रोस्कोपिकली गाइडेड थ्रू लेजर एब्लेशन, ठीक है, ना के थर्मल एब्लेशन, ये बी स्पेसिफिक इन दिस। और इसके बाद अगर कोई रोल है तो वो है इंडक्शन और IUI का, इंडिपेंडेंट कोई रोल नहीं है। जैसे स्टेज 3 और 4 में जो रोल है वो IVF का ही है, एंडोमेट्रियोमा निकालने का इंडिपेंडेंट रोल नहीं है, सिर्फ टेक्निकल रोल है। देखें आपको ये क्वेश्चंस तंग करेंगे, ये आपको ऑप्शंस बहुत तंग करेंगे, आपको नहीं समझ आएगा कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। प्राइमरी ट्रीटमेंट अगर आपके 5 ऑप्शंस में कहीं भी है तो दिस इज योर की, यही आपकी की है। जैसे मैंने बोला था ना सेप्टिक मिसकैरेज में अगर FSH फेटल हार्टेड मौजूद भी है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट सेप्सिस या कोरियो में यूट्रस की अर्ली एज पॉसिबल इवैक्यूएशन है, बाकी एंटीबायोटिक का रोल तो बाद में है ना। सेम गोज फॉर अब्रप्शन, अगर सवेर अब्रप्शन है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है डिलीवरी, ना के एनीमिया करेक्शन, ठीक है।
अच्छा डॉक्टर जी, एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये एमसीक्यू में था कि पेशेंट को पीसीओ है और उसके ऊपर क्लोमिफेन सिट्रेट ना फेल हो गया. उन्होंने ये नहीं लिखा था रेजिस्टेंस है कि फेलियर है, उसने कंसीव नहीं किया ना क्लोमिफेन सिट्रेट पे, ये नहीं पता चला था ओवुलेशन हुई है या नहीं हुई, तो उसमें लिखा हुआ था हम नेक्स्ट क्या करेंगे. तो उसमें लैप्रोस्कोपिक भी थी, उसमें ये मेटफॉर्मिन भी थी, तो हम लोगों ने उसमें से जो है लैप्रोस्कोपिक सिलेक्ट की, लेकिन हमने मेटफॉर्मिन नहीं सिलेक्ट की, लेकिन मेटफॉर्मिन का इंडिपेंडेंट रोल है ही नहीं. तो लेकिन हम क्लोमिफेन के साथ तो कॉम्बिनेशन में उसको दे सकते हैं ना, हमें नेक्स्ट नहीं नहीं करें. प्राइमरी ट्रीटमेंट सीसी है फर्स्ट लाइन, वो फेल हो गई तो सेकंड लाइन गोनाडोट्रोफिन है, वो फेल हो गई तो सेकंड लाइन में एलओडी या लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग है, दोनों फेल हो गई थर्ड लाइन इज आईवीएफ. दे आर प्राइमरी ट्रीटमेंट, आपने यही चूज करनी है, बाकी मेटफॉर्मिन चेटफॉर्मिन फार्मिन बोल रहे हैं. इनफर्टिलिटी की गाइडलाइन जो है अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी की नाइस की, उसमें ये इन्होंने लिखा हुआ था कि हम अगर स्टिल क्लोमिफेन सिट्रेट फेल हो गई है तो हम उसके साथ मेटफॉर्मिन को जरूर कंसीडर करें ना, उसकी कंसीडर करें तब करें जब मोटी है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तब ना, तो जब नहीं बताई तो नहीं करें ना. और इसका फायदा ये नहीं होता कि वो कर लेगी बड़ा अच्छा कंसीव, इसका फायदा ये भी है डिस्करेजेस भी नहीं होते. तो मेटफॉर्मिन अगर प्राइमरी आप इंडक्शन फेलियर में कंसिडर कर रहे हैं तो मत करें. पोस्टसीसी फेल मूव ऑन गोनाडोट्रोफिन, वो भी फेल मूव ऑन एलओडी, वो भी फेल मूव ऑन आईवीएफ. प्राइमरी ट्रीटमेंट पे फोकस करें. अगर नहीं ऐसा कुछ तो फिर देखें, वो जब उन्होंने सीसी लाना के साथ मेटफॉर्मिन लाना होता है तो वो बताते हैं मोटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, फिर सीसी भी होता है, फिर मेटफॉर्मिन भी होता है, फिर हम चूज करते हैं सीसी प्लस मेटफॉर्मिन. अदरवाइज हम नहीं करते थिन पेशेंट में जब इंसुलिन रेजिस्टेंस ही नहीं है, हम सिर्फ सीसी चूज करते हैं. एक ऑप्शन लेजरा की भी होती है, लेजरा तो है ही नहीं नाइस में, डब्ल्यूएचओ में है, नाइस के मुताबिक तो लेजरा का रोल ही नहीं है, दे आर इट इज नॉट एडेड इन सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन कहीं भी नहीं है. हाँ जब वो लेजरा चाहते हैं तो वो कहते हैं पेशेंट जो है ना सीसी की वजह से एंडोमेट्रियल थिकनेस हो गई है, थिकनेस इसकी ये 4 है, अब क्या करें, इसकी रिप्लेसमेंट फिर लेजरा है, वो एंडोमेट्रियल ट्रॉफी नहीं कराती. तुम लोगों को ऑप्शन में से सहूलत हो जाती है एक्सक्लूड करने की, तड़पने की जरूरत नहीं है, हो जाता है मसला हल. वो कहते हैं 99% क्वेश्चन एक्सक्लूड करके ही हल होते हैं, हो जाते हैं. मैंने नहीं ऐसे मसले देखे कभी, आपके मसले कोई और हैं, जब पेपर करोगे तब नजर आएंगे. ये वाले मसले हैं जो अभी एक क्वेश्चन पढ़ा है ओएचएसएस का, सारे ऐसे होते हैं, फिर एक्सक्लूड करते रहो, आउटवे करते रहो, क्लिनिकल होते हैं. अब हमारे जो क्वेश्चन थे ना वो क्लिनिकल होते हैं, आप आरसीजे की बुक्स क्रैम करते हो उनके तो थ्योरेटिकल होते हैं, फिर वो मैच नहीं होता, मिसमैच हो जाते हैं. इन्होंने टॉक्स लाए थे आरसीजे के, फिर दोबारा अपनी औकात पे आ गए हैं इस दफा. तो बहुत टाइम लगेगा आरसीजे को फॉलो करने में, फिलहाल ये पैटर्न फेल है पाकिस्तान में. ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़.